चलो यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सरकार ने शादी करी ली। हेलो 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 हेलो, कौन बोलता है? मैं, हाँ मैं नौकर हूँ जी, तीली। तीली? मेरा नाम है तीली। ये कैसा नाम है? मुझे इतराज है, मेरा नाम तीली है, तुझे क्या भाई? तू किधर रहता है? मैं माचिस में रहता हूँ, तुझे क्या है? हैं? थोड़ी देर के लिए मेरे घर आना। क्यों? यार मेरे दांतों में बोटी फंस गई है। यार एक कौन बोल रहा है? प्रोफेसर को बुलाओ, मैंने बात करनी है उससे। प्रोफेसर साहब नहीं आ सकते, उनकी शादी हो गई है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। ए, क्या बोलता है? प्रोफेसर ने दूसरी शादी कर ली, ने मेरे को बताया भी नहीं। तू गंद करता ना, इसलिए तेरे को नहीं बताया। बकवास नहीं कर, प्रोफेसर को बुला, मैंने बात करनी है। वो बोल दिया नहीं करेंगे, आप कौन बोल रहे हैं? हसमत। अबे हस कौन रहा, नाम बता। ए हसमत। अबे कहां से रहा हूं? ए मेरा नाम है हसमत। अच्छा नाम है? हाँ मैं हूँ तीली मुस्कुराहट। तेरे टक्कर पे रखा अभी अभी। ये क्या बकवास करता है? ने प्रोफेसर को बोला, मैंने बात करनी, ने तेरी शिकायत भी करूंगा, जलील आदमी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हसमत, हसमत बोलो, प्रोफेसर को बोला। मैं नहीं आ सकते, वो बता दिया ना भाई, नहीं आ सकते। अच्छा प्रोफेसर आए तो उसको बताना, हसमत को फोन कर ले, मेरा फोन आया था। ठीक है बता दूंगा। मैं तेरी शिकायत करूंगा जलील आदमी। ठीक है कर देना, मैं मुकर जाऊंगा। शिकायत करूंगा तेरे बाप का खाता हूं। आप कौन हो आलम चन्ना के बटवे? कौन हो? अदब से बात करो। अदब से बात करूं? हाँ। आप से ना करूं? नहीं करो। समझे? अरे आप है किस लिए आए भाई? आपको आधा सलूट मार लूं? मारो। तू यहां क्या कर रहा है? तू कौन है? मैं नौकर हूँ तीली, नया नया नौकर हूँ। अच्छा आप बच्चों की पुलिस हो रही है आजकल? बच्चों की पुलिस? आपने आते ही तशद्दुद शुरू कर दिया, क्या बात है? वो मन्नत के चला फिर बोले क्या बात है भाई? क्या बात है? वो नाना जान का? यार ये नाना जान का जिक्र मैं बहुत सुनता हूँ, ये नाना जान नजर नहीं आ रहे, कौन है ये नाना जान? अरे वो नाना जान है ना, हाँ इंजेक्शन लगा दिया ना, फिर हमारा खत छोटा हो गया। उई उई। फिर वो दूसरा इंजेक्शन लगाया, हम गोद के बच्चे बन गए। अल्लाह अल्लाह, हम यहाँ तफ्तीश करने आए थे। तो ये आपके साथ हादसा हो गया? हाँ। तो सही कैसे हो गया? शुक्र करो कि इंजेक्शन का असर खत्म हो गया, वो जो तुम्हारी मालकिन है ना, हाँ। वो हमें कूड़े में फेंक कर भाग गई थी। तो दूसरे असर खत्म हो गया, पहले का नहीं हुआ? नहीं, वही टिके हुए हो? ओहो चलो कोई नहीं, ऐसा है कि नाना जान अगर मिल गए ना, हाँ? तो मैं उनको बता दूंगा आप आए थे। आप अपना कोई एड्रेस दे जाओ, मैं आपको बुला लूंगा। मेरा एड्रेस है? अबे क्या तहखाने में रखते हो? क्या कह रहा? नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह, सही है ये एड्रेस है आपका? ये हमारा शादी कार्ड है, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है आप इसी पे सोते भी हो? मैं कल में अबे लगी है भाई। ठीक है आप जाइए, मैं आपको बुला लूंगा। क्या? मैं आपको बुला लूंगा। मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा और नारा जान देगा ना, पुलिस आएगी। अच्छा काका ठीक कर दो। अच्छा बात सुनो, प्यार से बुलाओ। इधर आओ जी। बैठो। क्यों? नीचे बैठो जी। यार ये पूरे ही लग रहा हाथ बहुत भारी है। चलो कोई नहीं यार, पुलिस वाले ने मारा है, बच्चे ने थोड़ी मारा है। यार आप इस घर में आइए, एक नौकरानी, उससे सेटिंग करूंगा, सरकार की तो शादी हो ही गई है। है मेरे हम सफर, ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। प्यार नहीं तो रात की बची हुई दाल दे दे। तूने बेगम साहिबा को बेटी दी? ओहो अंग्रेज बेटी। तू आई है बेगम साहिबा के साथ जेज में, तू उनकी नौकरानी है, तू जाके दे बेटी। मैं साहब का नौकर हूँ, मैं उनको दूंगा तखत्ती। अच्छा तो लड़ता क्यों है? एक बात सुन। हाँ
वो तेरी पहले वाली बेगम साहिबा कैसी थी? अरे वो तो स्मगलर निकली। ईमान से दौलत के चक्कर में स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। वो हुआ यूं के पड़ोस में मिर्जा नहीं रहता, उसकी बीवी के साथ मिलकर स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। वो तंजानिया गई, तंजानिया में हीरोइन का ब्रीफकेस ले गई और वहीं पकड़ी गई। 300 साल की सजा हो गई। 300 साल की? हाँ। वैसे तेरे को बड़ी मालूमात है। मैं ज्योग्राफिया हूँ ना। क्या क्या तू इस घर का बहुत पुराना नौकर है? नहीं नहीं, मुझसे पहले एक नौकर था यहाँ, शरफू। अच्छा। वो कमीना घर का सामान चोरी करके और नौकरानी को लेकर यहाँ से भाग गया। ईमान से मेरे भी ऐसे ही इरादे हैं अब। क्या? नहीं, मैं बता रहा, हमारे जो सरकार है ना, उनकी 3 बेटियां थी, तीनों की शादी हो गई। सरकार ने सोचा अब आराम से जिंदगी गुजरेगी, मगर सुकून कहाँ बेचारे के नसीब में। बेगम साहबा तंजानिया पकड़ी गई, शरफू घर छोड़ के भाग गया, नौकरानी को लेके भाग गया, और मैं मिल गया, मुझे ले आए। देख भाल के नहीं रखा, नौकर तू भी अच्छा। ओए थप्पड़ क्या खा लूंगा। मेरे से बदतमीजी नहीं करना, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। यकीन नहीं आता तो मोहब्बत करके देख ले। अरे जा जा, ये मोहब्बत इंसान को क्या देती है? हम लड़कों को तो ख्वारी देती है, ईमान साहब। फिर बिल देती है, बिल। कैसे बिल? कभी होटल का बिल, कभी शॉपिंग का बिल, और आखिर में मैटरनिटी होम का बिल। ये है मोहब्बत की मेराज, एंड मोहब्बत यहाँ पे खत्म हो गई। ये हम लड़कों का हौसला है, मोहब्बत किए जा रहे हैं, एक से कर रहे हैं, दो से कर रहे हैं, तीन से कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात तो बता कि तेरा नाम दिली किसने रखा है? मेरा नाम? हाँ। ये मैंने खुद पैदा होते रख लिया। तो कैसी बात करी, मेरे अब्बा ने रखा। जब मैं पैदा हुआ ना, मैं बड़ा कमजोर सा था। हाँ, अब्बा से लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है? अब्बा ने कहा सी वहम सा हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ हमारा क्या हुआ है। ईमान से मेरे पैदाइश पे तो हर अस्पताल से 2-2 नर्स ने खुदकशी की है। वो क्यों? कि नहीं, इस काम का ये अंजाम तो लाना था भाई हमारे काम पे ही। ईमान से मैं तो पैदाइशी मनहूस हूँ, मैंने बड़े लोगों को रंडवा किया है। क्या? तेरा अब्बा को ही मैंने किया रंडवा। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? हाँ, सरकार की शादी हो गई ना। सरकार की शादी हो गई? तेरी शादी तो नहीं, जितना खुश हो रहा है। मेरी उम्मीदें हो गई हैं। क्या? नहीं नहीं, मतलब है सरकार की शादी हो गई, मेरी जान छूट गई। अच्छा एक बात बता, तेरे साहब को अपनी पहली वाली बेगम से क्या बहुत मोहब्बत थी? ले बहुत ज्यादा भाई, उनकी मोहब्बत की वजह से तो मैं फंसता था। क्यों? जब भी उनको अपनी पहली बेगम की याद आती, मुझसे कहते, बेटे तीली जाओ साड़ी पहन के आ जाओ। और जैसे ही मैं साड़ी पहन के आता, प्यार और मोहब्बत की बातें करते होंगे। थप्पड़ मारूंगा क्या? खा लूंगा। समझती नहीं है, कोई प्यार वार की बातें का मैं उल्टा लटका देते थे, फिर कोड़े मार के पूछते थे, आप करेगी स्मगलिंग, जाएगी तंजानिया। अरे तो तू पिटता क्यों है, नौकरी छोड़ दे। फायदा भी तो बहुत है पिटने का। क्या फायदा है? अब तुझे क्या पता, हमारी सरकार को भूलने की बीमारी है। अरे इतने चीटर भुलक्कड़ हैं, मेरी तनख्वाह के दिन तो फौरन भूल जाते हैं। अच्छा? मेरे पास आ जाएंगे, मुझे तनख्वाह दे दो भाई, मैं नौकरी पे हूँ। इस किसी में तो बातें करते हैं, उनको भूलने की बीमारी है, वो मुझे मार रहे होते हैं, कहते हैं आप करोगी स्मगलिंग, मैं कहता हूँ मैं करूंगी, अगर इतनी बुरी औरत हूँ तो मुझे तलाक दे दो। वो मुझे रोजाना तलाक देते हैं, हक महर की रकम अलग मुनाफे में कमाता हूँ। बात सुन, वो तेरे साहब का वलीमा कब होगा? नहीं होगा। क्यों? उनको भूलने की बीमारी है। मैंने बोला सरकार आपका वलीमा कब होगा, कहने क्या मेरा अकीका हो गया। इस किसी में तो बातें करते हो। हाँ? मेरे साथ धोखा हुआ है बेगम। खबरदार, जब भागने की कोशिश की गोली मार दूंगी। मारो गोली, मैंने बंदूक में सिगार डाले हुए हैं। मैं तुम्हें सिगार से ही मार दूंगी। अल्लाह, सिगार से? इस यहाँ पर सिगार और सिगरेट चल रही है। नेत्रीन, वक्त तकाजा है, मेरे साथ भागो। भाग? आओ। आओ बेगम, आगे भाग। की बात करो मेरे साथ चिटिंग। मैं करती हूँ बात करो मुझसे। आपने मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा हुआ है? मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है शादी में। क्या फ्रॉड हुआ है? कल पूरी रात तुम्हारी नकली आंख मेरी कमर में चुभती रही है। मुझे पता चल गया आपकी एक आंख पत्थर की है, क्योंकि आपने सुबह वॉश बेसन में मुंह धोया
आपने रगड़ के जो हाथ मारा तो पत्थर की आंख कृच करके निकली है और नाली में फंस गई। गटर बंद हो गया। मैंने भंगी से कहा देखो क्या प्रॉब्लम है। उसने देखा, कह रहे साहब अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है, ऊपर देख रहा है वो। आपने हमसे शादी की है या हमारी आंख से शादी की है? मेरा माल खर्च हुआ है, मुझे सामान पूरा चाहिए। मेरे साथ धोखे पे धोखा किया गया है। मजीद क्या धोखा हुआ है? मजीद सबसे बड़ा धोखा यह हुआ है कि हमें जो तस्वीर शादी से पहले दिखाई गई थी, हाँ? वो तो बड़ी ही अच्छी खातून थी। किसकी तस्वीर थी वो? वो हमारी अम्मा की तस्वीर थी। तुम पहली औरत जिसने माँ दिखा के लूटा है हमें। ये गलत है, चीटिंग है, फ्रॉड है। और तो और, जब निकाह हुआ और रुखसती के वक्त जिस वक्त एक सुजुकी जहेज से भरी हुई हमारी गाड़ी के पीछे चली, पुरानी नुमाइश तक तो हमने उसे देखा। उसके बाद उसने कहा टन मारा है, हमें नहीं पता कहां गई वो जहेज की सुजुकी। वो हमारा इंतकाम था। कैसा इंतकाम? जिस तरह तुम मर्द शादी वाले दिन रिश्तेदार औरतों से जेवर जमा करके दुल्हन को पहना देते हो और शादी के 6 दिन बाद छीन लेते हो, इसी तरह हमने तुम्हें सुजुकी दिखा के गुरु मंदिर से लौटा दी। मर्दों का इंतकाम मुझसे लिया है। तुमने हमारे बाप के साथ क्या किया? क्या कर रहे थे उस दिन तंबू में बैठे हुए? तुम्हारा बाप का नाम मत लीजिए आप। तुम्हारा बाप एक छिछोरा बाप है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है। जबकि तंबू के अंदर हम दूल्हा बने हुए ब्रजमान थे और एक एक रुपए के नोटों का सेरा बंधा हुआ था। तंबू में जब कोई बच्चा रोता था तुम्हारा बाप एक नोट फाड़ के दे, जा बेटा कुल्फी खा कर, जा बेटा आइसक्रीम खाओ, सौंफ सुपारी खाओ। उसके बाप का सेरा था, पूरा खर्च कर दिया उसने और उसमें सिर्फ एंड में धागे रह गए। और धागों के पीछे हम ऐसे बैठे थे जैसे सैलाब जदगान फटी हुई चरपाई के पीछे बैठे हो। अच्छा, जब भी हमारी नानी अम्मा कह रही थी अरे बेटा दूल्हा तो अभी से उधर रहा है। शुक्र कीजिए आप कि आपकी नानी अम्मा बच गई कि हमारे नाना फौत हो गए, वरना उनसे ही तलाक दिलवाता मैं। बकवास बंद करें आप, फजूल बातें करते हैं। बारात में आप बैठे हुए वहाँ क्या कर रहे थे? हमारे अब्बा से क्या बातें कर रहे थे आप? वो जूती छुपाई की रस्म हुई, वो जूती ऐसी छुपी आज तक नहीं मिली। क्या, कहाँ गई वो जूती? वो जूती हमारे बाप की थी, आपने जुमे की नमाज से चुराई थी। बेगम हमें भूलने की बीमारी, हो सकता हमने किसी की चंपली पहन ली हो। बकवास बंद करें। और ये जो आपने तलाक का नाम लिया है, कान खोल के सुन ले, अगर आपने तलाक किस्म की किसी चीज का नाम लिया तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना घर अपनी सारी जायदाद हमारे नाम लिख चुके हैं और अब हमारी सारी जिम्मेदारी आप पर है और आपकी कोई जिम्मेदारी हम पे नहीं है। बेगम शरण शोहर मेरी अम्मी से लड़ेगी, बुलाओ। मैडम नाश्ता तैयार हो गया। कौन हो जी? जन्नत की हूर हो इसीलिए मगरूर हो? ये जमीन पर किसके चक्कर में आई हो जी? घर की मासी है, बर्तन धोने आई, अब दांत निकालो। माफ करना बेगम, हमें भूलने की बीमारी, हम ट्राई कर बैठे। आपको पता है हम भी सुड़ाई कर बैठते हैं। बस आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करना। अपना नौकरानी जी शादी से पहले क्यों नहीं मिली? जब हम शादी के लिए औरतें देख रहे थे तो छांट छांट के बस शक्ल औरतें हमें मिली, और जैसे ही हमारी शादी हुई है अच्छी अच्छी खवातीन नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, जब शहर की सारी औरतें मुतमईन हो गई हैं तब घरों से निकली हैं। आपका क्या मतलब है हम इतने बशकले हैं? कभी आप गौर से अपना मुंह तो देखें शीशे में। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं दूसरों के मुंह देखता रहूं। नौकरानी हमें माफ करना, हमें भूलने की बीमारी। सरकार मुझे भी एक बीमारी है, मुझे हर दूसरा आदमी अपने बाप जैसा लगता है। तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराओ, ये बीमारी मर्दों के लिए जहर है। मेरे पास इस बीमारी के कैप्सूल हैं। तिली तिली इधर आ बेटे, तुम्हें हर दूसरा आदमी अपना बाप लगता है ना? हाँ। मैं पहला आदमी हूँ,
ये दूसरा आदमी। इसमें अपना बाप ढूंढो। सरकार कुछ खुदा का खौफ खाएं, किसी का आइंदा का प्रोग्राम तो देखा करें। उसको देखो, जान नहीं है उसमें, आइंदा का प्रोग्राम तो देखो। अभी गौर से तो खुद को देख चिलगोजे। और लड़की खबरदार जो तुमने इससे बात करने की कोशिश की। बेगम साहबा, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ये वहाँ वहाँ आ जाता है। तो तू वहाँ वहाँ क्यों जाती है? जहाँ जहाँ ये आ जाता है वहाँ वहाँ जा, जहाँ जहाँ ये आ नहीं सकता तू मेरे कमरे में आ सकता? ये क्या है? ये बीमारी है, बीमारी। आपकी बीमारी? ये बीमारी मुझे तबाह कर देगी। अल्लाह करने वाला, मैं तो जरिया हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं बाखुदा बीमारी बीमारी है। लड़की चलो जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ। जा रही हूँ। चलो जाओ। चले मुझे भी रास्ता दें। रास्ता दें या बजरी का ट्रक निकलेगा। चलो बेगम। शोहर ठीक है, मेरी अम्मा से लड़ेगी। ये बताऊंगा तुझे, बुलाले कम नहीं हूँ। सरकार पानी गरम कर दिया मैंने। पानी तो गरम हो गया। दलील इंसान, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है। क्यों? ये औरत हमें तुम्हारे मनुस मुकद्दर से मिली है। कैसे? अगर तुम उस दिन शादी के दिन तंबू शामियाने का ध्यान रखते तो हमसे ये मिस्टेक ना होती। कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है हमसे। क्या मिस्टेक? देखा तुमने कि ये जब हम निकाह के लिए बैठ रहे थे, वो उसका क्या नाम है उसका घटिया इंसान का, वो क्या नाम उसका अपना, वो हाँ वो मिर्जा ने हमारे साथ इंतकाम लिया है। तुम्हें तो मालूम है हमें भूलने की बीमारी है। हम उस बीमारी के चक्कर में अक्सर घंटी दबा के मिर्जा की बीवी को अपनी बीवी कह देते थे। उसने ये इंतकाम जहन में रखा और जब हमारा एक जगह शादी का प्रोग्राम तय हुआ तो उसने भी उसी दिन बराबर वाले तंबू में अपनी शादी रख ली और हमारे तंबू में बैठ गया और हम भूलने के दौरे में इस घटिया तंबू में बैठ गए और ये लड़की औरत हमारी जिंदगी की तकदीर बन गई। आपके साथ धोखा हुआ है? यस। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। सरकार के साथ धोखा हुआ है, नहीं छोड़ूंगा। फिर भी ग्लूकोस लगवाना पड़ेगा, क्या करें बेटे? ना करो। नहीं छोड़ूंगा सरकार। अबे किसे नहीं छोड़ेगा? मैं बेगम साहबा की नौकरानी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या घटिया इंतकाम है, ये इंतकाम तो मैं भी ले सकता हूँ। बुज़दिलाना हमला खवातीन के मुतालिक इस किस्म के प्रोग्राम, घटिया इंसान। हटो, हट। हेलो, हाँ, है? अबे क्या पागल है तुम लोग? घटिया इंसान, छिछोरे। पहले नया काम लाए थे कि बुढ़ा घर पे है, अब और नया लाया हूँ। मैं बोल रहा हूँ राजा हूँ, मेरी जान मेरा खिड़की में आ जा। खिड़की में आ जा क्यों? ओए गाली नहीं दे बेवर, ठहर क्यों ठहरो? मैंने गाली के लिए आदमी रखा हुआ है बेवर। गाली सुनो, अभी हाँ वो भी नहीं सुनना चाह रहा, बाद में गाली देना पड़ेगा। जाना था तुम्हारी शक्ल के ऊपर। बस यार तुम बड़ी अच्छी गाली देते हो, गाली का कैसेट क्यों नहीं निकालते? जाना था तेरी शक्ल के ऊपर, बदतमीज इंसान। सरकार भी लगवाते यार। सरकार कौन है? कौन है? कौन है यार? पता नहीं कौन आदमी है, अजीब घटिया इंसान है। कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ राजा, मेरी जान जरा खिड़की में आ जा। आपको बोल रहा खिड़की में आ जा? बताओ मैं दरवाजे में भी चला जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता? सरकार एक बात बताएं। हाँ। आपकी तीन बेटियां थी। हाँ। तीनों की शादी हो गई। हाँ। फिर भी इस किस्म के टेलीफोन आते रहते हैं यार, क्या करें समझ में नहीं आता। अजीब लोग हैं बेटा, यहाँ यही होता है, चिड़ियां उड़ जाती हैं मगर लोग घोंसले में झांकते जरूर हैं। हालांकि वहां सिर्फ गंदे अंडे रह जाते हैं। गंदे? ये गंदे क्यों होते हैं? गंदे क्यों होते हैं? ये अंडे क्यों होते हैं? हाँ ये गंदे अंडे इसलिए होते हैं बेटे, मुझे मालूम था कि एक दिन अंडे ये सवाल करेंगे मुझसे और मैं उन गंदे अंडों के सामने गंदा हो जाऊंगा। आप गंदे क्यों हो गए? इसलिए कि मेरी सोसाइटी खराब होगी बेटे, तुम लोगों में बैठने लगा हूं ना। ये खराब लोग क्यों होते हैं? ये अच्छे लोगों की पहचान के लिए होते हैं। ये अच्छे लोग क्यों होते हैं? ये खत्म कर दे तू, तू सारे अच्छे लोगों को बर्बाद कर दे, मिटा दे। ये क्यों होता, वो क्यों होता है, मुझसे पूछ के होता है क्या? आपसे पूछ के क्यों नहीं होता?
तू मुझसे पूछ के हुआ था। सरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ था बेटे? बात बहुत फैल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ था? ऐसा क्यों नहीं होता? जाके अंदर बत्तियां जलाओ, चलो जाके, चलो। और सुनो एक बात, दूसरी बात खान को सुनो कि जाके नाश्ता लगाओ। नाश्ता? नाश्ता लगाओ, और नाश्ता उस वक्त लगाना जब पड़ोसन छत पे कपड़े सुखाने के लिए आ जाए। तो ठीक है, पड़ोसन की नौकरानी बोर्ची खाने में आएगी तो नाश्ता पकाऊंगा। वेरी गुड बेटा, मेरे से आगे आगे चलना कमबख्तो, आगे आगे। क्या मुसीबत है यार। हेलो हेलो, कौन? अरे मामू जान, आप तो वही कमीने बोल रहे हैं। बड़ा ही कोई घटिया आदमी है यार भाई, मैंने तेरा क्या किया है? गाली मत दे बिल्कुल नई नई गाली है आपके पास तो, बहुत ही फटे मुंह है आपका। समझ आप कौन? मैं आशी हूँ। मैं बासी हूँ। मैं चांद का टुकड़ा हूँ। मैं भूसी टुकड़ा हूँ। मैं चांद हूँ। मैं ग्रहण हूँ। मैं सितारा हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। मैं कमल का फूल हूँ। मैं कीचड़ हूँ। मैं तेज हवा हूँ। मैं पतंग हूँ। मैं अरमानों की कब्र हूँ। मैं गोरखंड हूँ। मैं इस घर में आई लेट हूँ। मैं तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट हूँ। मैं लती तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अरे वाह, आपने मुझे हैरान कर दिया, मेरे हर सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। अच्छा, तो फिर ये वाटर कूलर मेरा हुआ? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये, देखिए ना, तारिक अजीज को दो तीन ही सवालों का जवाब दो तो वो कुछ ना कुछ इनाम दे देता है। तो आप कौन है जो हमारे ही घर में घुस के हमसे बोलिए मैं आशी हूँ, मैं मैं क्या कम हूँ किसी से? बातें कर जा रहे, आप कौन है भाई? आंटी कहाँ है? आंटी कौन? जिनसे आपकी शादी हुई है। जिनसे? वो जिन है क्या? वो जिन है क्या? मुझे मालूम था वो औरत जिन है, जभी तो मेरे काबू में नहीं आई। अल्लाह तू मुझे माफ कर दियो, मेरे तो दो तीन दफा उसको झाड़ुओं से भी मारा है। वो जिन अब मेरे को नहीं छोड़ेगा। वो जिन है वो? क्या कह रहे हैं आप? वैसे आप गलत कह रही हैं, वो जिन नहीं, वो चुड़ैल हो सकती है। हाँ, मतलब कौन है वो? वाकई में जिन है? ओहो, मेरे कहने का मतलब है आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी मेरी हुई है। हाँ, अभी हुई है। मैं उनकी मालूम बहन की बेटी हूँ, जरा मॉडलिंग के सिलसिले में मरी गई थी, इसलिए आपकी शादी में शरीक ना हो सकती। अच्छा 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 अच्छा, मैं डर ही गया। वो आंटी अंदर है आपकी? आंटी आंटी जी बेटा। ये हाय हाय, कैसी हो? फर्स्ट क्लास, इनसे मिलो, नए मॉडल का आंटा। अरे आंटी, इनसे मुलाकात बहुत दिलचस्प रही, बहुत आशिक मिजाज है अंकल। बच्ची से क्या था? कुछ नहीं। नहीं, वो हल्की सी ट्राई की आदत है ना। उसके बाद फिर मैंने बच्ची बच्ची कहा है। बेटा, गलत फहमी की वजह से। कोई बात नहीं, तुम सामान नहीं लाए? आंटी मैं जरा जल्दी में आ गया, सामान कल आ जाएगा। ओके। एक मिनट, किस किस्म का सामान आ रहा है घर में? बच्ची का सामान मुस्तकिल रहने के लिए। क्या बात कर रही हैं आप, क्या यही रहेगी? बिल्कुल। किस हिसाब में, किस खाते में? मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ रहूंगी, तो मेरे रिश्तेदार नहीं रहेंगे? क्या बात कर रही हैं आप, आप इस घर को क्या बनाना चाहती हैं? हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों की शादी की, कमबख्त मारी तीनों की। ओह, याद आया, आपको भी अब इनकी शादी करनी है, आप तो शादी एक्सपर्ट हैं। क्या कह रही हैं आप, अपनी बच्चियों की शादियां करने में दांतों से पसीना आ गया है, खून थुकवाया उन रिश्तों ने हमें। वो आया था कमबख्त एक आदा, आदा। उसने हमारे पसीने छुड़वा दिए थे। एक चंगेज खान आ गया था कमीना, उसके बाद एक और आ गया था, हम बर्बाद हो गए थे बेगम इस चक्रों में। मैंने तो बड़ी अच्छी तरकीब सोची जो बाद में बता दूंगी, बस अब आप ये याद रखिए कि मेरी सारी जिम्मेदारियां आप पर है और आपकी कोई जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है।
कि किस किस्म की दोगली पॉलिसी है आपकी। आप इस बच्ची से कह दीजिए कि रिश्ते होंगे तो हम करा देंगे। ठीक है, जब देखा जाएगा। चलो बेटा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाओ। ठीक है। कमरा दिखाऊं? आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारों को जमा कर रही है, चला मोटो। अम्मी से लड़ाई है। बेगम मोहन। हाँ ये ठीक है, मैं याद दिलाता रहता ना, तुझे भी भूलने की बड़ी बीमारी है। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? आप छुप जाइए, बदनामी आपको ढूंढ रही है। हुआ क्या है सरकार? हाँ। मैंने आपकी पतलून धोकर छत पे सुखाई थी। हाँ। हवा तेज चल रही थी। हाँ। वो उड़ के खिड़की से होते हुए मिर्जा के बेडरूम में चली गई है। हाँ। मिर्जा अपनी बीवी को मार रहा है, पूछ रहा, बताओ ये प्रोफेसर की पतलून हमारे बेडरूम में कैसे आई? फंस गए। मजे बहुत बुरे मजे। सबको यकीन आ जाएगा, उनको पता है बुड्ढे को भूलने की बीमारी है। उनको मालूम है कुछ घपला है। तुमने मुझे बहुत लंबा फंसवाया है। मुकर जाओ, उस पतलून से मुकर जाओ। सरकार पता है क्या हुआ? वो ना, उसके मैंने पर्ची लगा दी है, ये प्रोफेसर की पतलून है। वेरी गुड, शाबाश। पतलून पे पर्ची लगा दी, उस पे मेरा एड्रेस भी लिखो, पांचों पे मेरा टेलीफोन नंबर लिखो और एक तीर बना दो के इधर रहते हो। चलो, फूल फसवाने का इंतजाम किया तूने कमीने। आपको भूलने की बीमारी जो है। भूलने की बीमारी तो मैंने क्या किसी का घरारा पहन लिया था पहले? तो तूने पतलूनों पे नाम लिखे, घटिया इंसान। अब क्या होगा? वही है। अच्छा मैं अंदर। वही, मैं बाहर हूँ, तू अंदर कैसे जा रहा है? मैं वही है। जाओ, देखो पतलून से मुकर जाना। बस सही है, कहना हमने जिंदगी में कभी पतलून पहन नहीं है। लानत भेजते हैं हम पतलून पर, हम पतलून देखना भी नहीं चाहते। लानत भेजते, कभी नहीं पहनी, ये भी उतार दें। बस ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? एहतियात करो, हमसे ऐसी फरमाइश ना करो, हमें बीमारी है भूलने की। जाओ देखो कौन है। सरकार। हाँ। एक लड़की गुस्से में बाहर खड़ी है और हाथ में हॉकी है। वही है। अंदर जाओ और जितनी भी हमारी पतलूने हैं उनको काट के नेकर बनाओ। जाओ इस्तेमाल कीजिए। जाओ, चले जाओ, खटिया इंसान, चले जाओ। कमाल दुआ बड़ा फटा दुआ। आप यकीन करें, हमारे घर में तो पतलून का सिस्टम ही नहीं। कोई शख्स भी इस घर में पतलून नहीं पहनता। मैं खुद पतलून कभी पहने नहीं। मैंने ये भी पजामा सिलवाया था, उनके पतलून जैसा दे दिया। हम लोग कभी पतलून नहीं पहने, हमारे मैंने तो कभी भी पतलून नहीं पहने। ओहो, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पड़ोसों से आइए ना। नहीं, पतलून के सिलसिले में नहीं। पतलून से कोई ताल्लुक नहीं। फिर किसी के बाप की डरी है पहनूंगा पतलून में? और एक एक नहीं, दो दो पहनेंगे। पतलून पहनना हमारा फर्ज है। और आप कौन हैं? जी मुझे मिस इलाही कहते हैं। ओ, मुझे अजाब इलाही कहते हैं जी। नहीं, मेरा मतलब है, मेरा नाम है प्रोफेसर हामिद निजामी। ओ, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। सुनी सुनाई बातों पर एतबार मत कीजिए, खुद अजमाइए, फायदा उठाइए, हर जगह दस्तियाब हूँ, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। जैसा सुना था वैसा ही पाया। पाया हो नहारियो फराइयो, अपन को तो खाने से मतलब। शादी से पहले क्यों नहीं मिली आप? शादी में ना आ सकी, मजबूरी थी, मेरा टूर्नामेंट हो रहा था। ओ, आपका टूर्नामेंट था, यहाँ तो फाइनल हो गया। आंटी कहाँ है? आप भी आंटी की कोई हैं? जी। बेटी बात ये है कि आंटी अंदर है। आंटी आंटी आपकी रिश्तेदार। लाही खैर हो? कैसी हो? मगर मैं तुमसे नहीं बोलती। क्यों? मेरी शादी में ही नहीं आई आंटी, एक मैच के सिलसिले में रुकना पड़ा और मैं यहाँ मैच ही हार गई। श्रीलंका।
25 ओवर में टीम बाहर। क्रिकेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर इमरान की फैन हूँ। इमरान की कौन फैन नहीं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान का फैन है। और अब जो वो अस्पताल का काम कर रहा है तो दुनिया में उसके फैन पैदा हो गए हैं, समझे ना। ऐसी बातें, हम खुद उसके फैन हैं। इसी वजह से तो मैं इमरान की फैन हूँ और हॉकी टीम की कप्तान हूँ। अल्लाह, हॉकी की कप्तान मेरे खुदा, मैं लड़की हॉकी की। आराम से बच्ची अपनी। मैंने क्या कहा है, मैंने तो इतना ही कहा है कि हॉकी की कप्तान है। मतलब मेरे कहने का, मेरा खुद हॉकी से बड़ा ताल्लुक रहा। मैं सियालकोट में हॉकी के कारखाने में मैनेजर था। हमें तो किसी ने बताया था आप स्टेडियम पे चिप्स बेचते थे। आपको किसी ने गलत बताया, आपके वालिद साहब से पूछिएगा, जहां वो जूतों के टोकन देते थे बराबर में हमारी फैक्ट्री। गलत बताया किसी ने। चलिए ठीक है, बाद में पता कर। जी जी, क्या कह रही थी बेटा? मैं आंटी कह रही थी कि अंकल तो बहुत ही अच्छी आदत की है। असल में मुझे आज तक कोई समझ नहीं सका। हाँ आंटी, आप अंकल को असल में समझ नहीं सकी। ये बताओ बेटे कि तुम्हारा मुस्तकबिल में प्रोग्राम क्या है? अंकल, मैं चाहती हूँ औरत को एक आला मुकाम दूँ। बेटे, मैं चाहता हूँ कि हर औरत को अपने पल्ले से एक मकान दूँ। पहले मुझे तो दो। आप मकान में कहाँ आएंगी? आपके लिए तो महल बनाना पड़ेगा। आप मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। महल बनाओगे? सोने का महल। ओ मेरे खुदा, चांदी के दरवाजे, हीरे के बर्तन, इतनी बड़ी पेटी, पेटी में हीरे लगे हुए, पेटी को खोलोगे अंदर सोने से लिखा होगा क्या? तलाक तलाक तलाक। ले लो, महल लूंगी मैं। ले लो। शादी को 8 दिन नहीं हुए, तलाक की बातें करते हो तुम। बिल्कुल, मैं तुम्हें नाक चले चबवा दूंगी। ओके, चबवाओ। अंकल, मैं आपकी दलेरी से खुश हुई। शुक्रिया। बेटा, तुम इन्हें नहीं समझ सकती। ओफ आंटी, अंकल बहुत अच्छी आदत की, आप इन्हें समझ नहीं सकी। चलो ठीक है, तुम इन्हें समझती रहो, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ। पड़ोस में? उन्होंने बुलाया। किन्होंने? वो नहीं छोटे थे, उन्होंने। कौन छोटा सा? वो जो यहाँ रहते हैं। कौन रहते? मिर्जा की बात कर रही हो? हाँ हाँ। मिर्जा ने किस लिए बुलाया तुम्हें? वो कह रहे हैं बैंकॉक से पतलूने उड़ के आई हैं। देख ले। बैंकॉक से पतलूने आई? जी। तो पतलूनों का इतना क्या है? आप बहुत शौक से पहनते हैं ना। कहाँ पहनता हूँ? ये क्या है? ये तो पट्टे वाला पजामा था पहले। पतलून बेगम छोड़ो, मट्टी डालो पतलून पे, ना घर में रहना। आपको तो पतलूने इतनी पसंद है, याद नहीं शादी वाले दिन 3-3 पतलूने पहन के आ गए थे। क्या बातें कर रही हैं आप? आप नहीं जाएंगी? मैं जाऊंगी। मुझे पतलूने नहीं चाहिए। मैं ले आऊंगी, आप पजामा समझ के पहन लेना। लाएगी जरूर। लाऊंगी बेगम। अरे फुप्पो से लड़ाई है, एक दिन बुलाऊंगा खानदान की सारी औरतें, देखना। ला लो। बुलाऊंगा मैं। असल में हमारे ये अभी नई नई शादी हुई है ना, तो ये लाड हैं, चोचले हैं। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप ये बताइए कि आपको हॉकी से दिलचस्पी है? अल्लाह, मैं तो पहले स्टेडियम में ही सोता था। अच्छा? हाँ हाँ, वहाँ मेरा ठेका था ना कार पार्किंग का। फिर तो आपने ये वर्ल्ड कप जरूर देखा होगा। हॉकी का वर्ल्ड कप? जी। आपने देखा था? नहीं, मैं मुल्क से बाहर गई हुई थी। अल्लाह, आपने नहीं ना देखा? नहीं, मैंने सारे मैच देखे फिर। अच्छा? आपने तो नहीं ना कोई भी मैच देखा? नहीं। अब पूछे आप, कैसा हुआ था मैच? बाकी मैच तो अच्छे हुए, एक मैच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। वो कमेंटेटर है ना बेचारा? जी। वो जो कमेंट्री कर रहा था वो थोड़ा गंजा था, उसके ऊपर किसी ने पान की पीक थूक, और पीक इधर से चली, जब नाक पे से टपकी वो समझा नकसीर फूट गई है। वो रुमाल रख के तो कमेंट्री बॉक्स से भाग गया। हाँ, फिर तो मैच बंद हो गया होगा। नहीं, अल्लाह ने है, अल्लाह मियां ने पाकिस्तान की इज्जत को बचाना था। वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार आए हुए थे, उनसे कहा कि आप थोड़ी सी कमेंट्री कर दें, इज्जत का सवाल है। फिर मैच आगे चलाया। किसने की कमेंट्री? सबसे पहले तो मोहम्मद अली साहब से कहा। अच्छा? आप थोड़ी सी कमेंट्री कर दे। पहले तो वो अड़ गए, कर लगे मैं तो नहीं करूंगा। उनको कहा थोड़ी सी कर दे। नहीं भाई, मुझे नहीं आती। उन्हें कहा ऐसे ही कर दें जैसे आप कर रहे हैं। यार मैं कैसे? उन्होंने कहा ऐसे ही, बिल्कुल आ जाओ। फिर उन्होंने अपने स्टाइल में करी। जी। बिल्कुल अपने स्टाइल में कमेंट्री करी उन्होंने। दुनिया वालों, इस वक्त केन वसीम फिरोज के पास है
वो गेंद को लेके चला तन्हा और अकेला, दुश्मन की डी में घुस गया वो, उसे रोका गया है, उसकी हॉकी पे हॉकी मारी है, उसे ग्रीन कार्ड दिखाया है। दुनिया वालों, मुझे मेरी जवानी वापस करो। वो अंपायर आ गया, उन्होंने कहा भाई ये तो जवानियां मांग रहे हैं, इनको क्या हो, इनको हटा इधर से, आप ये झगड़ा करवा देंगे मैच, फिर मैच उनको हटा दिया। ऐसी हरकतें करेंगे तो मैच बंद ही हो जाएगा ना। तो कहां मैच बंद हुआ, मैच बंद हो गया भाई। वो अपना क्या नाम है, सुल्तान राय नहीं आया हुआ था? अच्छा, सुल्तान राय ने अपने अंदाज में कमेंट्री करी, वो तो घोड़ा लेके स्टेडियम में आ गया, मजाक नहीं, और घोड़े के कान के पास माइक लगा लिया, वहीं से शुरू हो गया। गेंद इस वेले काफरों दे कोले, काफर गेंद नु लेके आगे वध्या, उन्ने एक मुसलमान नु टोच दिता, दूजे मुसलमान नु टोच दिता, जत्ती च मुसलमान नु टोच दिता, ते मैं तेनु मार देंगा मार। भगदड़ मच गई वहां, लोग भागना शुरू हो गए। वो गंडासा लेके ग्राउंड में उतर गया, और टीम भाग रही है उसके पीछे, वो भाग रहा, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। अब तो मैच बंद हो गया होगा। तुमने मैच बंद करा के कहीं जाना है? हर वक्त मैच ही बंद कराई जा रही, क्यों मुस्तफा कुरैशी नहीं आए थे क्या? अच्छा, उन्होंने अपने अंदाज में किया, मुस्तफा कुरैशी ने बड़ा हसीन स्टाइल में किया। इस वेले गेंद शाबाज दे कोले, शाबाज ने काजी मुहिबुनु पास दिता, चंगा की था, चंगा की था। लो जी, उसके बाद अजीज मियां को दे दिया। पे तो झगड़ा ही हो गया, उसने अपने अंदाज में की कि गेंद लेके चले वसीम फिरोज, गेंद लेके चले, उन्होंने काजी मुहिब को दिया, काजी मुहिब से गेंद चली, और नहीं मख्तर के बाद, नहीं मख्तर, ये कितने मारा पत्थर, गेंद को लेके चली शेरवानी, ये कितने फेरा पानी, दोनों डी के अंदर हर तरफ से हमला, पाकिस्तान क्रिकेट पार्टनर के लिए, और एक दूसरे को चलते रहे, गेंद को लेके चलते रहे, आगे आगे चलते रहे, छोटा सा पास, बहुत खूबसूरत मोमेंट पाकिस्तान की तरफ से, दोनों खिलाड़ों के पास, और गेंद को लेके चले, और ये झपड़े के अंदर कहां से हॉकी लगी, बहरहाल गेंद गोल के अंदर आवाज आई कि ले जाने कौन बचे रहे, ले जाने। ओहो, इसके बाद मैच बंद हुआ है। अच्छा, वैसे बहुत मालूमात है आपको हॉकी के बारे में। वही मालूमात क्या है, काम यही है। ओए, 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 ओए। कौन है? और नहीं छोड़ूंगा, चौक से मैं बीमा करूंगा। ऐसा है कि आप है ना, जाए अंदर। ये कौन है अंकल? कुछ नहीं है, यहाँ पर जरा असल में वो पतलून पे मजाकरा शुरू होने वाला है जी। हाँ, एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर आ रहे, पतलून पे बहस होगी कि ये पतलून क्यों है, ये दस्तरखान क्यों नहीं है, इस किस्म की एक बहस है। आप अंदर जाओ, रेस्ट करो, फिर मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह मियां तुम्हारी मेहरबानी कर रहे हैं, मिर्जा के बच्चे से बचाना मुझे। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। क्या कह रही है ये पतलून, क्या बतला रही है ये पतलून, मेरे घर के बेडरूम में कैसे पहुंची ये पतलून। बाकी बातें भी पतलून से पूछ ले जा। मैं आज पतलून से पूछ रहा है, खाली पतलून से क्या होता है? अबे खाली पतलून से शक होता है। मैं पतलून में होता तो मुझ पे केस बनता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगा। प्रोफेसर सच सच बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बीच में से हट जाए बाजी। ये क्या किया आपने, पुराना पंखा चला दिया। उसे तमीज नहीं है, मैं उससे 50 साल छोटी होंगी, कभी गौर से अपने को देखा है, चूने की पूछी। मैं बाजी
बाजी कह रहा है इनको, यह बेबी है। मैं कहता हूँ मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ सुनो ए, जुम्मे के जुम्मे फ्री बटने वाली इत्र की शीशी, तेरे मुंह मत लगो, जाओ यहाँ से चले जाओ। मैं देख प्रोफेसर, तुझे भूलने की बीमारी है, याद कर, सोच, दिमाग पर फोड़ डाल, कहीं तू ये पतलून भूल कर तो नहीं आया। यार हमें अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाक्य याद नहीं है। आप कोशिश करें कुछ याद करें। अलबत्ता एक दफा ऐसा हुआ था जब हम एक मरतबा चार्ली के गर्म हमाम में नहाने गए और नहा के बाहर निकले तो बाजार में अजीब सी भगदड़ मच गई, लोग भागना शुरू हो गए, उन लोगों ने दुकानें बंद कर दी, फ्रूट वाले रेड़ी छोड़ के भाग गए, एक साहब हमारे सामने मिठाई का डब्बा लेके खड़े हो गए और कहने लगे बाबा हमारे यहाँ औलाद होगी। तो हमें ध्यान आया कि अल्लाह हम तो कपड़े हमाम में भूल आए। देखा ये अपने भूलने की बीमारी से कैसा फायदा उठाता है। प्रोफेसर एक दिन मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा। मुझसे बकवास करने से पहले इतना सोच लो। ओए शीशम की लकड़ी के चल, क्या बदतमीजी है, चल जा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, जा। मैं कहता हूँ तू बाहर आ प्रोफेसर, मैं कहता हूँ तू अंदर आ, तू क्या किस्सा है ये पतलून का बेगम? मुझे तो बात खुदा कुछ नहीं पता ये पतलून का क्या किस्सा है। साहिबा मैंने आपकी साड़ी छत पर सुखाई थी, हवा से उड़ के बराबर वालों के यहाँ गिर गई। बराबर वालों के यहाँ हवा से गिर गई। अब जो मैं आप पे शक करूं तो मैं तो हुआ ना उल्लू का पक्का पट्टा। इसी तरह मेरी पाटलून उड़कर मिर्जा के घर में गिरी, मैं पतलून पे बैठ के नहीं गया था। तो उस खप्ती के सामने बकवास क्यों नहीं किया आपने? भाई भूलने की बीमारी है ना बेगम, अपनी बात भी भूल जाते हैं हम। सारी बीमारियां मुझे मंजूर हैं, लेकिन आप ये नहीं भूलेंगे कि आपको मेरी भांजियों की शादी करवानी है। बेगम हमारे पास रिश्ते कोई दराज में तो रखे नहीं कि निकाल के तो करा दे शादी। मैंने एक तरकीब सोची है, रिश्तों की भी बात की है। मैंने सोचा कि जब उन लड़कियों के रिश्ते आएंगे तो आप मेरी एक मदद करेंगे। बोले आप ऐसा कीजिएगा जैसे लोग आएंगे उनसे वैसे ही बन के मिलिएगा, फिर इंशाल्लाह रिश्ते तय हो जाएंगे। मतलब जैसे लोग आए हम भी वैसे ही बन जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह अगर कोई नचनिया खानदान आ गया तो क्या हम नाच नाच के पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हो? पागल हैं हम तो पागल हो जाएंगे सिलसिले में। फजूल बातें नहीं करें, बेटियों के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है। बेगम अब बेटियों का मसला डालकर हमें जज्बाती कर दिया आपने। मैं तुम्हें तड़ी से भी कह सकती हूँ, समझ में आया बेगम? जाओ हाँ ठीक है सही है। बात यह है कि आप यकीन करें कि हम आपकी बच्चियों के लिए आपकी भांजियों के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। थैंक यू। नौकर तिली के बच्चे इधर आओ बेटे जी। आज से हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। कैसा इम्तिहान? जिस किस्म का भी रिश्ता आएगा हम उससे उसी तरह मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई जलील आएगा तो हमारी जलालत देखना, कोई कमीन आएगा तो बेगम आप बात कर लीजिएगा, कोई गरीब आएगा तो तुम टक्कर लेना बेटे। ठीक है, जैसे रिश्ते आए हमें बुलाओ, हम बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए जान की बाजी लगाएं। चलिए तैयारी करें। चले जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। अभी तक तो पड़े नहीं है मेरे मुंह के डंडे, एक हाथ में
अम्मा को समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। अपवाद बंद करो, बदतमीज आदमी, आधी रात को आके हमारे घर गाने गा रहा है, लोग समझेंगे प्रोफेसर ने ये धंधा शुरू कर दिया। इस तरह रिश्ता मांगा जाता है, ऐसे कोई रिश्ता दिया जाता है, इज्जत से आते हैं, तरीके से आते हैं, इस तरह हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। लाख करो इनकार, सास जी रंग लाएगा प्यार, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, कसम से लेके जाऊंगा, हो लाख करो इनकार, सास जी रंग लाएगा प्यार, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, कसम से लेके जाऊंगा, हो लाख करो इनकार। अब आयो, दो घंटे लगा दिए, तुम्हें क्या पता हम कितना छेड़ चुके। किसने छेड़ा है आप? ये लंबू जो खड़ा हुआ है। क्यों बे, औरतों को छेड़ने के लिए आता है तू? अबे ओए बड़े सर वाले, इतने सारे रुमाल गर्दन में बांधे, बसों में रुमाल बेचता तू? बोल क्यों नहीं रहा? आगरा जब जबान है तो बोलता क्यों नहीं है? क्या बात है, कौन है ये, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा कमबख्त? ये कमबख्त से मैंने भी दो सवाल किए, दोनों में मुझे गाने सुना दिए इसने। आपसे पहले मिल जाता तो आपका क्या होता? बेगम ये आपके गाने की उम्र नहीं है, नातों की उम्र है, ये समझ गए आप? इस किस्म की बेहूदा बातें गाने गाता हर बात में, हर बात में गाने गा रहा है वो तो। ओए जो भी जवाब देता तू गाने में जवाब देता, तू बेटे तू क्या अपना आकाशवाणी में पैदा हुआ था? गाने का क्या यूं यूं क्या कर रहा है, पियानो में सोता तू? अबे गाने बोलता क्यों नहीं? जाओ यहां से निकल जाओ जलील इंसान, हम अपनी बच्ची की शादी उससे करेंगे जो हमारी बच्ची को खुश रख सकेगा। क्या तुम हमारी बच्ची को खुश रख सकते हो? इसके कदमों को चूमूंगा, मुझे तू वहां जाने दे, इसके कदमों को चूमूंगा, मुझे तू वहां जाने दे। तेरी अम्मा को छेड़ूंगा, तेरी अम्मा को छेड़ूंगा, बुढ़िया को जरा नजर, बुढ़िया तो नजर आने। बेगम देखा कैसा गा के जवाब दिया टक्कर में। वेरी गुड, हमारा घोड़ा पहले नंबर पे आया है। घोड़ा पहले नंबर पे आया तो क्या हुआ, हमारी गाय किसी से कम है क्या? जाओ यहां से चले जाओ और हमारी बच्ची को भूल जाओ, ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मैं इसकी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मैं इसकी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है, हो तू मेरे हाथों से साया हो जाएगा, तू मेरे हाथों से साया हो जाएगा, इस महीने ही तेरा चहलम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता। देखा, जाओ चले जाओ यहां से। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस पहुंचेगी, ये शीशा टूट जाएगा, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट
छूट जाएगा। लड़की का हाथ मत पकड़ो, ये बूढ़ा रूठ जाएगा। पड़ेगा मुंह पे ये घूसा तो जबड़ा मत आइयो, ये टखना टूट जाएगा। अबे जा, चला जा, मेरा मुंह दुख गया, चला जा, अबे चला जा, हमारा ये काम नहीं है, चला जा, ओ चला जा, कमीने चला जा। ये क्यों नहीं जा रहा? मेरी समझ में कुछ आ रहा है बेगम। क्यों? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्यों? कुछ है। अगर इसमें 65% टेट्रोन है तो 35 कार्टन भी शामिल है। इसकी वजह ये है कि केस हमारे घर का भी कुछ सही नहीं है। इसके पांव इसीलिए मजबूत हैं। बताओ तुम्हारी इससे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बताओ बताओ ना अंकल को। हाँ पहली बार, हाँ पहली बार, एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे आ। पहली बार किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। को न पता चला क्या हो गया, कैसे मिले दोनों ये कब हो गया। बेटा जरा साइड में आ, बेटा जरा साइड में आ, बोलो तुझे जा रे जा। पहली बार, पहली बार आज मेरी लड़की तेरा हाथ पकड़ कर बोलेगी क्या दिया। थैंक यू। आज मुझे यकीन हो गया कि हम लोग भूखे नहीं मर सकते। बेगम तुम भी जरा सा रॉक एंड रोल सीख लो, फिर क्या कमी है। खुदा का खौफ करो, हम आपकी बच्चियों के लिए जान लड़ा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, गला खुश हो गया, और आप हमें इस किस्म के इनामात से नवाज रही हैं। मुझे तो खुशी हुई आज आप खुल के सामने आ रहे हो। बस बेगम दुआ करो कि वो कमीना आप दोबारा ना आए। अब कैसे आएगा? बस बच्ची को समझा के रखना, ठीक है? ओए 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 ओवा ओए ओवा ओ तिरछी टोपी वाले, ओ बाबू भोले वाले, ओ काली टोपी वाले, ओ बुढ़े भोले वाले, ओ तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। ओए 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 आ ओ भेंगी आँखों वाले, ओ लंबी टांगों वाले, ओ लंबी टांगों वाले, तू जहां जाने लगा है, नाके कटवाने लगा है, तू जहां जाने लगा है, नाके कटवाने लगा है। ओए 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 बेगम मोटो, मैं हया नहीं। क्या हुआ? हम उसे निकालना है, तुमने हमें धक्के धक्के निकाल दिया। मैं चाह रही थी आप गली के नुक्कड़ तक छोड़ आए, क्या गाने गाए। गली के नुक्कड़ के कीड़े, मैं उसके घर ना दो दिन ठहर गया। आपने इतने अच्छे गाने कैसे गा लिए? अरे खुदा का शुक्र करो बेगम कि ये
मशहूर गाने थे, हमने जवाब दे दिए। अल्लाह ना करे कहीं मेहंदी हसन का बेटा होता, मैं तो फंस गया था ना। कैसे? तो उन्होंने तो गाने ही मुश्किल मुश्किल गाने थे। मोहब्बत करने वाले तुम न होंगे, तेरी महफिल तो मैं तो लकवा हो गया था। मुश्किल मैंने की है बेगम, और याद रखो बेगम, इस किस्म के जलील रिश्ते आ रहे हैं कि मेरा तो सांस फूलना शुरू हो गया। आंटी। कौन? आंटी। ओह। आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? जी। मैं थप्पड़ मार के तुम्हें रंजीदा कर दूं बेटे? ओफो आंटी, वो माइकल है ना, माइकल वो अमेरिका से आ गया है। हाय हाय, माइकल जैक्सन आ रहा है। अच्छा। अब तो आपको माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा। क्या बेहूदगी है ये, मैं माइकल बनूंगा? मैंने उसकी फिल्म देखी है, वो कमीने तो कब्र फाड़ के निकलता। वो तो आपको भी निकलना पड़ेगा। मैं पागल हूँ, मैं पहले कब्र में जाऊँ फिर निकलूँ, फिर अंदर जाने के बाद निकलता कौन है? चलो आप निकलना नहीं, वहीं रह जाना। ओपो आंटी, क्या हो गया? बोल माइकल नहीं, माइकल महमूद, मेरी सहेली का भाई। अच्छा, अपना मीदा आ रहा है। चलो मीदा भी है तो क्या हुआ, सारी जिंदगी वो अमरीका में रहा है, अंग्रेजी में बातें करेगा आपसे? अंग्रेजी? मगर मुझे अंग्रेजी कहाँ थी बेगम, क्यों मुझे तो ना आवे। ना आवे? हाँ, मैं ना बोलता हूँ इंग्लिश, ना बोली मैंने कभी, ना बोलता है ना, मुझे आवे ना। क्या हो गया आपको? हम अपनी तरफ की बोल रहे हैं। ओ। हमें ना आती है, हम ना बोलेंगे, हम बोलते ना। भाई जो इंग्लिश में लफ्ज लिखे होते हैं ना इधर उधर, वो सब याद करके उसे सुना देना। तो पढ़ेगा कौन, जो सुनाएंगे? वो पढ़ लेगा ना। महमूद को ले जाके दिखा दूंगा बोर्ड। पागल है आप? तो मैं कैसे बोलूंगा बेगम अंग्रेजी? तो आप कोशिश करना, मैं भी आपका साथ दूंगी ना। तुम मेरे साथ होगी? हाँ। माशाल्लाह, ये तो जहालत दुगनी हो जाएगी। आपको अंग्रेजी कब आती है, किस टाइम पे आती है? वाह वाह, उस दिन आपका टाइफून आया था, मैंने नहीं बताया? टाइफून? हाँ, वो नहीं था राजा राजा कर रहा था, वो टेलीफोन है। जाहिलो, नई रोशनी स्कूल के स्टूडेंटों, हमको ये भी नहीं मालूम। ऐसी तो कोई बात नहीं है, उस दिन कमरे का डीसी खराब था, वो भी मैंने ठीक कराया। डीसी? डीसी सही करा दिया? तो अब कमिश्नर भी सही करा दो। उमने क्या सरकारी अफसरों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया? डीसी नहीं कहते उसे, तो क्या कहते हैं? इसीलिए तुम्हें पेरिस नहीं लेके जाता हूं मैं, हॉलैंड भी इसीलिए नहीं लेके गया। तुम सिर्फ और सिर्फ जो हो ना, इधर इधर की पार्टियां, मरी भरी पिंडी की पार्टियां, तुम लोग को नहीं ले जाऊंगा बाहर के मुल्कों में। उसे डीसी नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं ठंडा कमरा करने वाली मशीन। इसमें अंग्रेजी कहां है? मशीन उर्दू का लफ्ज है, मशीन इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश मशीन। चलो ठीक है, अब लड़ाई का वक्त नहीं है,
वो आएंगे, उनसे मुकाबला करना है। मुकाबला करना, ये तो आपने हमें बहुत, मगर बेटे उनको आपने को हमारे बारे में क्या बताया? ओ पोंगल, मैंने तो माइकल को कह दिया कि आप स्विट्जरलैंड में पैदा हुए हैं। आप स्विट्जरलैंड में पैदा? ये क्या किया बेटे, मैं तो जटलैंड में पैदा हुआ। तो हमें बड़ा बुरा फंसवाया, हम बहुत जलील होंगे हमें लग रहा है। चले थोड़ी सी तैयारी कर लेना। ठीक है, अगर बच्चियों की इज्जत का सवाल है तो फिर हम बोलेंगे अंग्रेजी या मुसलमान नहीं, या अंग्रेज नहीं। आइए। अरे घर का माहौल भी अमेरिकन कर दो। कैसे? दिली बेटे, घर का माहौल अमेरिकन कर दो, चारों तरफ चर्च फैला दो। आओ। हो गया। जी देखो, घर में मेहमान आने वाले, माइकल, उन्हें किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस गैस की होगी खाली। माइकल हो या साइकिल, आप बेफिक्र रहें। आंटी और अंकल कहाँ हैं? आंटी आंटा को रिहर्सल करा रही अंग्रेजी की। ओहो, अच्छा मैं जाती हूँ उनको लेकर आती हूँ। कुरूस अबे क्या हॉर्न की जगह भोपो लगवाया हुआ है। हमसे अच्छी पतीली मांगेगा मांग। मैन, कम ऑन, ये तुम कौन सा डांस करता था? ये क्या रंबा संबा था? नहीं, बिजली का खंबा था। मैन, तुम इधर में सर्वेंट है? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो नौकर हूँ भाई। तुम हमको उल्लू समझता? मैं तो नया हूँ, मुझे क्या पता। आप कौन हो, अमेरिकन चुड़ैल? Now, Chorel, I am Michael. Michael? Yes, Michael. मैं तीली परसों। Oh, no, jolly man. इधर बात सुनो। जी। हमने सुना है तुम्हारा बास स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था। हाँ। तुमको पता है ये स्विट्जरलैंड किधर है? मलीर के पीछे। जॉली मैन। खुदी होगा। हम पाकिस्तानी हैं, हार तस्लीम नहीं करते, हम इन्हें मारना। Oh, God. ये क्या करता है? अबे हमें आज पता लगा अंग्रेजों में भी है भाई। तीली, मैं तो फैशन शो कर रहा था। मिस सिलाई, वेयर इज योर अंकल एंड आंटी? आंटी, आंटी। हाँ, वाह से। लेडी डायना, डायना, डायनामेंट ब्लूम। हाँ हाँ, वेयर अंकल, वेयर अंकल। हाँ लेडी, वेयर अंकल, अंकल। हाँ this Hello. Oh, uncle, what a dressing! Huh. Oh, you are very smart. I would like to meet you.
Your daughter have lot of precious, your personality. So I come to here for meeting with you. The aunt is very smart and you are also smart. Your daughter is very fantastically smart. I live in London. I was in America. I was a personality, fantastic. Your aunt, uncle, please, my heart. Your daughter, my heart. Your daughter, my life. Your daughter, my choice. आपके कितने पैसे हुए? आपकी शक्ल पे लानत है। एक्चुअली ये तो बड़ी गाढ़ी इंग्लिश बोल रहा है। तो क्या हुआ? आपका क्या बिगाड़ेगा? आप भी जो जी याद है सुना दो। अच्छा, मैं अपनी इंग्लिश शुरू कर दूं? बिल्कुल। अल्लाह मालिक है, संभल के आओ। ओके, स्टार्ट। दिस तंबाकू इज वंडरफुल। या या, मासियान वन, शट अप। Shut up! English! English? Yeah, shut up! Is your woman there? Is the woman must be a percent of a Roman Empire who is you? How is your mama near that home? He's a man, man. He's a swan, man. Who's a man? Who's a swan? Who's a swan? Who's a man? I be sure. I be a man. Interval. Capri, sir. Chips one away. Chips one away. Chips one away. This is English starting now. It's start? Yeah, starting. Yeah. I'm first in your seatbelt. Yes, we are ready for takeoff. This landing position, you know, ASEAN. The Pakistan Airlines, you know, ASEAN, we're announcing you, man, ASEAN. Hum inshallah 10,000 foot ki ulti pe parvaz karte hue ek ghanta 10 minute mein Karachi ke international airport par land kar raha hai. Starting award, man, but one of them, I have school of my son and GS Battery. GS Battery? Yeah, millet fan. They're starting in Coca-Cola. Hey, Coca-Cola. 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 Everybody loves it, Coca-Cola. मुबारक हो बेगम, अमेरिका का तैयारा लखनऊ में उतर गया। इंग्लिश खत्म? यस। कम ऑन, स्टार्ट। जी। अब फरमाइए क्या बात है, मेरा क्या ख्याल है बेटे, आप क्या चाहते हैं? इंटरव्यू करें, मैं रिश्ता चाहता हूं अंकल। अच्छा, हमारी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं जी। चंद सवाल आपसे पूछेंगे जी। सवाल कुछ यूं है बेटे, क्या अगर तुमने साबित कर दिया कि अमेरिका का माशरा हमारी बेटी के रहने के लिए ठीक है तो हम अपनी बच्ची को रुखसत कर देंगे, और अगर हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का माशरा हमारी बेटी के रहने के लिए ठीक है तो हमारी बच्ची यही रहेगी, हम रुखसत नहीं करेंगे। ठीक, ओके, स्टार्ट। अब तुम अमेरिका की खूबी बताओ, हम अपनी खूबियां बताएंगे। यस अंकल, अमेरिकन सेहतमंद होते हैं इसलिए कि सच्चे और पके हुए फल खाते हैं। अच्छा, मगर बेटे हमारी कौम सबसे अच्छी कौम है, ये सब्र का फल खाते हैं। अंकल अमेरिकन अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते। हम लोग भी अपना खाते हैं बेटे, अपने बसों का धुआं, अपने लोगों से धोखा और अपने ही मुल्क में नौकरी के लिए धक्के, हम भी अपना खाते हैं, किसी और से मांगते अंकल अमेरिका में बारिश होती है तो पूरा मुल्क धुल के साफ शफाफ हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, इतना खूबसूरत जितना आपकी बेटी का मुंह। वाह, और हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो बिल्कुल ऐसा कीचड़ जमा हो जाता है। अंकल आप क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तुम्हारा मतलब कहने का है कि हम क्या बाहर भेजते हैं और क्या मंगाते हैं? जी देखो बेटे, हमें जिस चीज की जरूरत नहीं होती हम बाहर भेजते हैं, जो हमें चाहिए होता है वहां से मंगा लेते हैं। हम यहाँ से भेजते हैं इखलाक, मोहब्बत, तहजीब, अमन, भाईचारगी, मोहब्बत, अमन, सारी चीजें बाहर भेज देते हैं, वहां से मंगाते हैं असला, झगड़ा, लड़ाई, कर्फ्यू, एजुटेशन। अच्छा एक बात बताएं, आप सनतें क्यों नहीं लगाते? भाई हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से फुर्सत मिले तो सनतें लगाएं ना। अंकल आपकी बेटी ने बताया था आपकी कुछ जमीनें हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आपकी जमीनें कहाँ हैं? एक मिनट बेटे मैं पूछ लूँ, मैं पिछली जमीनें भी रख के भूल गया हूँ, जरा पूछ लेता हूँ। मुसलमानों, लंबी लंबी छोड़ने वालों,
कमबख्त मारी हो, ये बताओ कि जमीन कहाँ है? कह दो गोरा कब्रिस्तान में। ठीक, गोरा कब्रिस्तान में है, आपको कभी चाहिए हो तो बताना। नहीं नहीं, मैं तो पूछना चाहता था कि आप अपनी जमीनों में कौन सा बीज बोते हैं? हम अपनी जमीनों में कौन सा बीज बोते हैं? यस, हम बेटे फसाद का बीज बोते हैं, उसमें नफरत की खाद मिलाते हैं, उसमें कहीं अमन दोस्ती का पौधा ना उगे इसलिए उसको तासुब का स्प्रे करते हैं। अंकल, उससे कौन सी फसल तैयार होती है? झगड़े की फसल, तो खेतों में निकली बल्कि गलियों में की है, मोहम्मद कटपुर, इसमें बेगुना लोग कटते हैं बेटा। अंकल एक और बताइए। हाँ, ये बताइए कि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू इतनी कम क्यों है? हाँ, गुड सवाल। तो बेटा बात यह है कि जिस मुल्क के लोग अपने मुल्क जितनी मोहब्बत करते हैं उनका मुल्क उतनी तरक्की करता है, उसकी करेंसी का रेट दुनिया में उतना ही बढ़ता है। एक अमेरिकन डॉलर की हमारे यहाँ 22 रुपए कीमत है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अमेरिकन अपने वतन से जितना प्यार करता है हमारे 22 मिलके उतना करते हैं। बस कल आपसे यही बातें करनी थी, असल में मेरी सिस्टर की सहेली है मिस इलाही। बेटे बात ये है कि रिश्ते के लिए चंद चीजें बड़ी जरूरी होती है। इधर भी थोड़ा मुंह रख बे आया, ये मेरी तरफ ही पंखा चलाया हुआ। सुनो बात ये है बेटे कि रिश्ते के लिए चंद चीजें बड़ी जरूरी है, जैसे एक बाप। बाप? एक बाप है ना आपका? नहीं, घबरा क्यों रहे? नहीं, क्या बात है, नहीं है तो इंतजाम करवा देते। एक बाप, एक अम्मी और चंद खवातीन ले आएगा। खवातीन क्यों? इसलिए कि इस बहाने आप हमारी औरतें देख लीजिएगा, हम आपकी औरतें देख लेंगे। भाई शरीफ खानदान तो इसी तरह एक दूसरे की खवातीन को देखते हैं। ओ थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटे, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह रिश्ते के लिए, वालिदैन को लेकर जरूर आऊंगा। ओके बेटा, मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना। ओके बेटे, गुड बाय। गुड बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह करे दुआ है ना। अब तो खुश हैं आप? आपने तो कमाल कर दिया भैया। भाई चलो दो दफा और बोलो, मैं तो फारिग हुई हूँ। और खुदा का खौफ करो बेगम, जिस तरीके से हमने बच्ची का रिश्ता तय किया तुम्हें तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था। बेटे मुबारक हो तुम्हें, ये अपने माँ बाप को लाकर रिश्ता तय हो जाएगा, तुम्हारा काम तो हो गया। ठीक है? ओह थैंक यू अंकल, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने तो कमाल कर दिया भाई। देखो ना, ये भी हमारी बच्चियों की तरह है ना। ओ, ये कपड़े कहाँ से बनवाए? ये सिगरेट की पन्नियों से तैयार कर। मेरा ड्रेस देखा? बहुत अच्छे ड्रेस है, संभाल के रखिएगा, हो सकता है शादी वाले दिन तंबू ना मिले। तो काफी कौन मेरे खाले को कौन कौन? अरे लोगों ने ये क्या हुलिया बना रखा है? भाई यही हुलिया है हमारा। अच्छा छोड़ें इन बातों को, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। बोलो बोलो। अंकल मैं अपनी सहेलियों के साथ छांगा मांगा के जंगल में पिकनिक मनाने गई थी। और वहाँ का जो प्रिंस है ना, उसने मुझे देखा, पसंद किया और अब ना वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहे? जंगली। अच्छा अच्छा, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अभी इस घर में जंगली आएंगे क्या? हाँ। तो क्या मैं जंगलियों से बात करूँगा? अंकल ने उन्होंने पूछा तुम्हारे अंकल क्या करते हैं, मैंने कहा मेरे अंकल इतने बड़े कबीले के सरदार हैं। मैं जंगलियों का सरदार भी हूँ? बेगम वापस करो ये रिश्ता, मैं जंगली नहीं बन सकता। आपने इंसान बन के बहुत देख लिया, अब आप जंगली बनेंगे। ठीक है बेगम, माँ बाप तो बच्चियों के सुहाग के खातिर जंगली, तो क्या जंगली जानवर भी बन जाते हैं? हमने इंसान बन के देखा है, अब जानवर बन के देखेंगे और हमें जहाँ सहूलत नजर आएगी हम वहीं रह जाएंगे। Hey. क्या है? आई लव यू, आई लव यू। क्या कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई लव यू, आई लव यू मेरी माँ, आई लव यू। क्या है ये? तेरी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। बोल आई लव यू टू, आई लव यू टू। खत्म। मेरा काम तो हो गया, तुझे पता भी लगा। क्या? सफाई कर, प्रिंस आ रहे। प्रिंस? प्रिंस आ रहे? हाँ। कहाँ के? छांगा मांगा के। छांगा मांगा? हाँ मांग। अबे जंगली आ गए, जा जा रही हूँ। एक जंगली तो ये खड़ा, ये कर, चल। Thank you.
लोगों के पीछे बकरियां नहीं लगी। उबाला उबाला, मैंने सुबह ही अंडा उबाला। उबाला कमाला, उबाला कमाला, मुर्गे ने अंडा उबाला। उबाला उबाला, क्यों पहना फटाफट रहा? उबाल अंदर चुप कर बंदर, तेरे कपड़े फाड़ दिए। उबाला, अबे क्या उबाला? तुझको देवता की भेंट चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ेंगे। उबाला, अबे क्या उबाला? ये हमारे जंगल के बहुत बड़े सरदार थे। अच्छा, आपकी मालकर पूरे जंगल पर राज करेगी। दरअसल ये लोग अपनी आने वाली नस्ल को नई शक्ल देने के लिए मौसम घराने और इंसानों में शादी करना चाहते हैं। फिर तो आप गलत घर में आ गए। इस घर से इंसानियत का कोई ताल्लुक नहीं है। बात करने में क्या हरज है? उबाला, अबे आप मालूम उबाला उबाला उबाला, अबे सेठ को तो बुला लो। ओ सरकार आई है, नंगे खानदान आए। अपने बटन पकड़। उबाला सरकार, उबाला, पानी उबालूंगा तेरे पे डालूंगा भी। उबाला करो लड़का। उबालो उबालो लड़का, लो इसके कपड़े बनवा लो। हिमाताले उबाले वाले, संतो समाजी संतो समाजी, क्या यही है मेहमान नवाजी? संतो समाजी, क्या पिएगा बतला दे। हिमाताले उबाले वाले, अधिका गाएगा अधिका गाएगा अधिका गाएगा, अबे सोफे में नहीं बिठाएगा। हुआ हुआ हा हा, हुआ हुआ हा हा, क्या जगह मिलती है, बैठ जाओ। आओ उबाला हबूला, एक सवाल करन तानो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या है तेरा कारोबार? पांच चूहे घर से चले, एक करने निकले शिकार, एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए चार, यही है मेरा कारोबार। जो जान तू, ये जान तू अल्लाह की शान, ये जान है अल्लाह की शान, इनकी क्या तिक्के की दुकान है। अबूला अबूला, हिमाताले उबाले वाले, हिमा वाला जट्टो हिमा वाला जट्टो हिमा वाला जट्टो, किधर है कट्टो? बेगैरत आदमी परे को हट्टो। उबा 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 उबा, जरा लड़की को तो बुलाओ। खड़े खड़े नहाऊंगा, लड़की को लेके आऊंगा। इमा डाले उबाले वाले, इमा हो जालो,
हिमा हो जालो, कुछ खाने पीने को मंगा लो। हिमा हो जालो, अपने पल्ले से मंगा लो। उबाएंगे इसको, अपनी बहू बनाएंगे। इमा जमूर जमाला, उमा उमा जम जम जम्मा, जम जम जम्मा, ये है तुम सबकी अम्मा। हिमा डालो उबाले उबाले, हुआ 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 हुआ, कभी खारा दर तो आओ। उबा उबा हाव हाव, कभी लालू खेत तो आओ। हिमा डालो उबाले उबाले, हिमा हो जालो, अपनी कट्टो को उठा लो। उबा हो जाले, अबे पुलिस को तो बुला ले। सरकार आप कहाँ हैं? आराम से, ध्यान से। सरकार ध्यान से मुझे ये बताओ, बेगम का कुछ पता चला? नहीं, मैंने सारा शहर ढूंढ मारा, बेगम साहबा कहीं नहीं मिली। अबे 10 मिनट पहले तू बाहर गया था। हाँ, और पूरा कराची का हेलीकॉप्टर से फिर गया। ये देखें, ऐसी बात नहीं है, ये है नक्शा। हाँ। नक्शे में पूरा छान मारा, बेगम साहबा तो कोई नजर ही नहीं आ रही। बेटे वो नक्शे पे छपी हुई। अबे जाहिल आदमी, जो नक्शे में है वो शहर में नहीं होता। इस नक्शे में खूबसूरत पुख्ता सड़कें हैं शहर में हैं। इस नक्शे में गंदे पानी और पीने के पानी की लाइनें अलग अलग हैं शहर में हैं। इस नक्शे में खूबसूरत बस स्टॉप हैं शहर में हैं। इसके अंदर बच्चों के लिए खूबसूरत पार्क हैं शहर में हैं। तो बेटे ये नक्शा नहीं, ये पब्लिक से नक्शेबाजी है। सरकार एक बात बताएं। बोलो बेटे। अभी जब मैं आ रहा था, मैं पार्क में गया। हाँ। वहां तो कोई आदमी नहीं है। बेटे खौफ ने तफरी को खत्म कर दिया, अब पार्क है उसमें घूमने वाले नहीं, सिनेमा हाउस है फिल्म देखने वाले नहीं, होटल है उनमें ठहरने वाले नहीं। बेटे अगर जिस रफ्तार से पब्लिक मर रही है, तो एक दिन तखरीबकार खुद कहेंगे कि बम है मरने वाले नहीं। सरकार मेरी दुआ अल्लाह करे बेगम साहबा मिल जाए। जलील आदमी, तुझसे हमारे 2 दिन खुशी के नहीं देखे जाते। अबे हम आयते करीमा करवा रहे हैं और तू बोलना मिल जाए, वो खटिया आदमी। वो तो लिखवा दे। हाँ, अखबार के लिए एक इश्तिहार लिखो, ताकि बेगम आए तो उनको यह अंदाजा हो कि हम उनके लिए बड़े परेशान थे। इश्तिहार लिखो। इसे लिख लूं? इसे लिख लो। शुरू करो। शुरू करो। शुरू। एक औरत जो 2 के बराबर लगती है, लिखो। ठीक है। एक औरत जो 2 के बराबर लगती है, देखने में हमारी आंटी लगती है, अपना नाम बता सकती है, अल्लाह ना करे किसी को मिले, क्योंकि जिसे मिलती है उसे जिल्लत ही मिलती है। आपको जिल्लत मिली? हाँ बेटे, जिस दिन वो हमें मिली दूसरे दिन तू मिल गया। मैम कैसी बातें कर रहे? लिखो लिखो। इत्तला देने वालों को अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा हमारी हाय लेगा, अल्लाह पूछेगा उससे। ये लिख दूं? हाँ लिखो, इसमें इत्तला देने वाले को अल्लाह पूछेगा। अच्छा सरकार ये बताइए, कौन से अखबार में इश्तिहार दूं? ये बेटे दे दो मायनामा सियारा डाइजेस्ट। हाँ क्यों? देखो उसमें क्या होगा कि एक काम और करना, इसके साथ बेगम की एक मेकअप वाली तस्वीर साथ लगवाना। मेकअप वाली? हाँ, ताकि बेगम को पहचानने में दुश्वारी ना हो। हाँ सरकार ये बात तो है, मेकअप वाली तस्वीर से ये फायदा होगा बेगम साहब फौरन पहचान में आ जाएंगी। और नीचे लिखवा देना बेगम से दरखास्त है मेकअप में ही रहे। हाँ। क्योंकि ये औरतों को मेकअप से बड़ा फायदा होता है। कैसे? देखो भाई, ये मेकअप ही की वजह से ये मरती भी कम है। कैसे? देखो ना, अभी दिन रात मेकअप में रहती है। हाँ। मौत के फरिश्ते का उसूल है। हाँ। वो दिन में आते हैं आदमी ताड़ के जाते हैं, किसकी रूह निकाल ले। ये रात तक मेकअप में रहती, रात को मुंह धो के सो जाती है। फरिश्ते आते हैं, इनको देखते ये साफ बच जाती है। तो ये मर्द ज्यादा क्यों मरते हैं? इसलिए कि मर्द मेकअप नहीं करते, नेचुरल ब्यूटी, अल्लाह का दिया हुआ हुस्न।
बेटे मैंने हुसन की बात की है, फिटकार की बात नहीं की। ये तो जिल्लत फिटकार सब साथ मिक्स है, समझ गए? तो ये इश्तियार तुम दे देना। नेचुरल हुसन, नेचुरल हुसन। तो कैसे मरते, कैसे ये कौन ये मर्द? भाई मर्द बेचारा नेचुरल हुसन है, मेकअप नहीं करते। यूं ही दफ्तर से आया, यहीं सो गया, यहीं उठा दफ्तर चला गया, यहीं फरिश्ता है, यहीं ऊपर चला गया, यूं ही जन्नत में चला गया, वहां भी नहीं रुका, यूं ही हूरों के पीछे निकल गए। टाइम नहीं ना बेचारों को, बिजी है। ठीक है ठीक है, ये इश्तिहार देखे सही है। बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। तू बेटे पहले चाइना स्कूल में पढ़ता था, ये क्या कीड़े मकोड़े बनाए। अब आपको क्या बताऊं सरकार, क्या बताऊं? गरीब आदमी जितनी तालीम हासिल कर सकता था कर ली। अब आपको क्या पता सरकार, जिन बच्चों के वालिदैन ना हो वो बच्चे किस तरह से जीते हैं। आपके भी तो अब्बू नहीं है ना? हमारे अब्बू हाँ, मर गए। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मर गए? कैसे? हादसे में। हादसे में? हाँ हाँ बेटा, हुआ ये कि हमारे अब्बू ना ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। अच्छा। हमारे अब्बा ट्रेन के अंदर दरवाजे के ऊपर खड़े थे, दरवाजे पे ट्रेन चली थी, झकड़ पकड़, अब्बा गेट पे खड़े हुए थे। एक साहब पीछे से आया, अब्बा से कहने के बाबा तेरा आगे हो ना, अब्बा आगे निकल गए। अब्बा इधर निकल गए, हम इधर निकल गए, अम्मा घर निकल गई। तो कम अज कम जंजीर तो खींच देते। जंजीर खींच रहे थे, वालदा ने मना कर दिया, बोली 50 रुपए देने पड़ेंगे। 50 रुपए के लिए अब्बा छोड़ दियो? हाँ बेटे। अब भाई 50 रुपए की उस वक्त बड़ी वैल्यू थी। हुँ? देखो कौन है। और बेटे इधर देखना, इन जगह ना इधर वाला बल्ब भी जला दे बाहर से जाके। जाओ शाबा शाबा। हाँ साहबा ना हो, अगर बेगम साहबा का कोई बताने आए ना तो उनसे कह देना कि ये घर नहीं है, अगला घर है। पड़ोस में। या अल्लाह, कौन? वो नहीं है। कौन? वो आपकी बेटी है। कौन? एयर होस्टल। अच्छा, वो पहली बेगम वाली। हाँ। बेटे उन्हें लेकर आओ, और उसे ये मत बताना कि हमारी जो है ना शादी हो चुकी। नहीं मैं बोलूंगा आपकी शादी हुई नहीं। हाँ। है शादी नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता, पूरे मोहल्ले को बताएगा नहीं हुई। हेलो डैडी, कैसी हो बेटी? लड़ने के लिए आए हो बेटे? कैसे हो? खैरियत से हो? वो हमने तुम्हें एक शौहर दिया था, वो कहा है? उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। हाँ चलो, उसका नाम नहीं लेते, उसका ट्रेडमार्क बोलते हैं, वो कमीना नहीं आया? अरे डैडी, उसने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। अच्छा, वो हमने आपको एक एयर कंडीशनर दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं, वो गजब वाले को बेच के उसके पैसे खा गया। बहुत ही घटिया आदमी। बड़ा कहता था तुम्हें पेरिस की सैर कराऊंगा, मनहूस कहीं का। मुझे भी कहता था अंकल आपको स्विट्जरलैंड दिखाऊंगा, और एक दिन आया और स्विट्जरलैंड का एल्बम दिखा के चला गया। तुम्हें पता है डैडी, शादी के बाद एक दिन भी बाहर खाना खिलाने नहीं ले गया मुझे। वो मुझे तो एक बार खाना खिलाने ले गया था आपको। हाँ बेटे, मुझे एक बार खाना खिलाने ले गया था शादी के बाद। चौक पे इतना रश था, मुझे कहने लगा अंकल ये लीजिए रुमाल और लंगर लूट के खा लिया। और बेटे मैं ट्रक के पीछे पीछे बिरयानी दे दा भाई, बिरयानी दे दा भाई। जो बिरयानी बांट रहे मुझे तो भूलने की बीमारी है। वो कह रहा है बाबा दो दो दफा मांगता, चलो लाते मार रहे लोग वहां। कसम से डैडी, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। उसे कहता था बहुत बड़ा अदाकार हूँ मैं। अदाकार है, मुझे पता है वो क्या करता है। क्या करता है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो? वो भीमपुर पे वजू के लोटे बनाता है। क्या? हाँ बेटे। मगर उसने अभी तक मुझे नहीं बताया कि वो लोटे बनाता है। बेटे लोटों की बातें कौन बताता है? हाँ डैडी, वो जो आपने सलामी में स्कूटर दिया था ना, कहते बेच के इसके पैसे भी खा जाऊंगा। बेचने दो, चोरी की है, खुद ही पकड़ा जाएगा। तो आपने मुझे जहेज में चोरी का सामान दिया, शेम डैडी शेम। खामोश ईरानी बिल्ली, चलो। तुम्हें क्या पता, जाके पूछो उन वालदैन से जिनके घर में चार चार जवान बेटियां बैठी, किस तरीके से अपना जिस्म काट कर उनके लिए जहेज बनाते हैं, किस तरह खुद गर्द लड़कों वालों को मुतमईन करते हैं, किस तरह किस्तों पे जहेज देकर अपनी इज्जत बचाते हैं। इस बात का रस्ती पर एहसास नहीं है तुम लोगों कौन है? कोई नहीं है। वो क्या थे? डैडी मेरी सास है ना, बड़ी जालिम है। कहती है बर्तन धो, झाड़ू लगाओ और कपड़े धो। मैं कपड़े धोऊं डैडी? आपकी बेची कपड़े धोए, कितने शर्म की बात है ना। नहीं बेटे, तुम्हारी सास तो एक जाहिल औरत। हाँ। उसको चाहिए कि तुमसे जबानी बात ना करे, तुम्हारे मुंह पे पहले चपेट मारे फिर बात।
वो तुम्हारी माँ की जगह है, उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। देखिए डैडी, मैं और बेटी हूँ, ये मेरी सास आपकी बेटी है। खबरदार, लोग से हमारी बेटी का खबरदार, जो बेटी का हमारी। क्यों? उन्होंने तो अभी हमें ईद कार्ड भी भेजा, और इस कार्ड के ऊपर एक तस्वीर, एक औरत, एक आदमी साहिल की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं वो इस कार्ड के जरिए क्या कहना चाहती है, मैं समझ ही नहीं। देखिए डैडी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे साथ मेरे घर चलिए और उन लोगों को बता दीजिए कि मैं किस बाप की बेटी हूँ। बेटे, तुम जिस बाप की भी बेटी हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि अब इस घर में तुम रह नहीं सकती। क्यों? बस, तुम अब इस घर में इतनी देर ठहर सकती हो जितनी देर मुल्तान में शालीमार ठहर, दैट्स ऑल। क्योंकि अब वो तुम्हारा घर है, वो जहन्नुम है तो उसे जन्नत बनाना तुम्हारा फर्ज है, अगर वो वीराना है तो उसमें फूल खिलाना तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारा शौहर खराब है तो उसे सही करना तुम्हारा काम है। जब तुम ये सारी चीजें कर लोगी, तब आके हम तुम्हारी सास से कहेंगे कि ये है हमारी बेटी। हम वो बाप नहीं है जो बच्चियों को सर चढ़ाकर उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर दे। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, वो ईदी दे दीजिए ना। बेटे, हमने तमाम ईदी अब दिल सतार ईदी को दी। देखो ना बेटे, हम लोग पांच पांच छह छह जोड़े बनाते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं। हाँ? अगर हम उनमें से एक जोड़ा और कुछ पैसे अपने उन मुस्तहिक भाइयों को दे दें जो अपना इज्जत से तन नहीं ढांप सकते, तो ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, हमारे मजहब का हुक्म भी है और हमारे नबी का फरमान भी है। वेरी गुड। क्या बात है, इधर आओ। नौकर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं तीली। अबे हाँ, ये तीली हमारा नौकर, भूल गए हम। तुम्हारा नाम बदलने भाई हम। क्या? आज से तुम्हारा नाम है सुंडी। सुंडी फसलों को खाने वाला कीड़ा। सुंडी हो, सुंडी बेटे। एक काम करो, ये अटैची केस उठाओ और इनको आपा को रिक्शा कराओ बाहर ले जाके। रिक्शा? हाँ, रिक्शा कराओ, रिक्शा का नंबर नोट कर लेना। जाओ। डैडी घर जरूर आइएगा। मैं आऊंगा बेटे। और हाँ, वो मियां है ना मनहूस, उसको भी समझाइएगा। बेटे, मैं उसको समझाऊंगा, इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। ओके, बाय बाय। बाय, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां दे और जितने दुख हैं मेरी दूसरी बीवी को मिले, आमीन। अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो, हाँ, पुलिस स्टेशन, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, सुनिए, वो नहीं नहीं हमने रिपोर्ट कराई थी अपनी वाइफ की। जी हाँ, हाँ, नहीं भागी नहीं है वो, जंगलियों से गलती हो गई। हाँ हाँ जी, कोशिश की है, वो इतनी जल्दी नहीं है, जब भी मिल जाए। सरकार, वो आ गई। कौन? वो आपकी बेगम। क्या बक रहे हो, तुम्हारे मुंह में खाक। सही है, ये सही है। बात सुनो जी, अकेले आई है? हाँ, रिक्शा पे, टैक्सी पे, गोरीले पे बैठ के आई है। अबे जंगल से अकेली गोरीले पे बैठ के आ गई, बड़ी निडर औरत है भाई। जाओ लेकर अच्छा बचना। अजीब, मेरा बताना कहना, वो रो रहे थे, सर मारो ना खंबे पे, गई तो जाओ। हाँ, मेरा झूठ बोला तुमने, कौन सा जन्नत में जाना, जाओ चलो। हाँ हाँ, जाओ चलो चलो, मारो जी आदमी। हाँ अब ये बोलो ना, क्या हुक्म है मेरे आका? बेगम बेगम, ये छिछोरेपन में खुद ही बेवा हो जाओगी। कहाँ से आ रही हो जान डार्लिंग? जंगल से आ रही हूँ। जंगल वालों ने हमें अपनी बेटी बना लिया, और ये देखो जंगलियों ने जंगली ज्वेलर से हमें जेवरात पहनाए। माशाल्लाह, कितने प्यारे जेवर है भाई, वाह। इन पे चूना और कत्था लगा के खाओ। अब आपको हमारे साथ चलना होगा उन्हें सलाम करने के लिए। मैं पागल हूँ, उस जंगल की ससुराल में जाऊं? वहां तो बड़े बड़े जानवर आके बैठते उठते होंगे, वहां वो तो किसी से भी मिला देंगे। बेटे, इनसे मिलो, ये हमारे मामू चीता है, और चीते ने सर पे हाथ फेरा तो फिर कौन जीता है, क्योंकि वो चीता है। बस, हम अपनी बच्ची का रिश्ता भी एक जंगली गोरिले से तय कर आए। आपका दिमाग खराब हो गया, बच्चियों को, इंसान की बच्चियां जंगलियों में शादियां कर रही हैं? नहीं, हम उधर ही शादी करेंगे, बच्चा बेचारा जंगली, पूरा जंगली हिरन खा लेता है। हिरन पूरा खा लेता है? हां बेटे, दो दो तीन दावतों में हम तो कंगाल हो जाएंगे। आप ईमानदारी से बताएं, आपने पूरा जंगल फिरा? पूरा। जानवरों को देखा? हाँ। जानवरों ने आपको देखा? हाँ। किसी ने पहचाना? नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ईमानदारी से बताइएगा, आपने जंगल में और शहर में क्या फर्क महसूस किया?
बहुत बड़ा फर्क है। क्या? जब हम जंगल में गए तो हमने देखा सारे हैवान चरिन परिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मगर जैसे ही हम अपने इस शहर में दाखिल हुए, हमें अपना ये शहर जंगल जैसा लगा। तुमने ठीक कहा बेगम, इंसान पहले जानवर था, आहिस्ता आहिस्ता आदमी बना, अब एक बार फिर उसको रिवाइंड किया है, दोबारा जानवरों की जिंदगी में दाखिल हो रहा है इंसान। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में जाओ, अपनी मंजिल पे पहुंचो। चलो चलो, अब हम कमरे में नहीं सोएंगे, फिर हम दरख्त पे सोएंगे। आप ऐसा करो, पपीते के दरख्त पे सो, ताकि एक ही करवट में आ जाओ। चलो, रास्ता दो हमें प्रोफेसर पपूली। हाँ, बताओ। दूसरे की बीवियां देखो, पतली हैं, स्मार्ट। एक हमारा आप तो बेइंतहा स्मार्ट हैं, इतनी स्मार्ट है। आपको याद नहीं उस दिन वजन वाली मशीन पे आप खड़ी हुई थी तो अंदर से कार्ड आया था, इस पे कोई वजन तो रखो ना तो आपके तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। आपकी तस्वीर इंशाल्लाह देंगे घी के कनस्तर पे इंशाल्लाह। बेटा तू अंदर आ। बेटा बेटा पता नहीं कमबख्त मुझे भांजा भतीजा समझ दिया, इसका सतिया ना अजीब औरत से वास्ता पड़ गया मेरा, बेटा फर्क हो कमबख्त का। अबे क्या पागल हो गया, किसके वलीमे के तंबू में चोरी किए तुमने? आपको तो भूलने की बीमारी है सरकार। हाँ। आपको याद नहीं आज भोपाल से बहुत बड़ा शायर आ रहा है अपने रिश्ते के लिए। अबे शायर आ रहा है? हाँ। बेटे हमें तो अलीफ सिनाम शायरी नहीं आती, हम उससे गुफ्तगू कैसे करेंगे? मैं जो हूँ। अच्छा, जो शायरी आती है। तुझे आती है? हाँ। बता कैसे? बता, आप बैठे, बता बता। आज किया है? हाँ बोलो, उठो। अब तुझे अब उठाना था तो बिठाया कहाँ है? पागल के बच्चे, उठा रहा कभी बिठा रहा। ये शेर है। शेर कैसा बेटे, तो परेड लग रही है मुझे। ये मिश्रा है, उठो। अच्छा, मिश्रा। उठो, दुनिया के गरीबों को जगा दो। गरीबों? हाँ। लोगों का स्टाफ आ गया, उठ जाओ। शेर है सरकार। तो शेर में तुमने अपना इतना जिक्र क्यों किया यार? बस है, बस है जिक्र है। अच्छा, उठो। हाँ। दुनिया के गरीबों को जगा दो और सब यारों मिलके मेरी नेक परवीन से शादी तो करा दो। यार ये शेर तो नहीं लग रहा मुझे, तो ये कोई सेटिंग लग रही है। ये आपने कोई अपना काम की दरखास्त की है? ऐसे शेर तो मुझे भी आते हैं। अर्ज करें। और मतलब तुझसे भी अर्ज करूं? तू मेरा नौकर और तुझे भी कहूं अर्ज किया? तुम्हें अर्ज नहीं कहूंगा, सुन बे, सुन बे, शेर फरमाता हूं, सुन। फरमाइए, सुन बे। सुन बे, सुन बे, कहा है कि जो बकरी ने मारा है बकरे को सींग, तो बकरा भी मारेगा बकरी को सींग। ये तो शेर, शेर है। वाह, फटा नहीं है? आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है। अच्छा, उसको निकालो यार किसी तरीके से। निकालो क्या, तीन थे। अच्छा, एक शेर और इस तरीके से। अर्ज क्या? सुन बे, कि दिल लोगी के जा लोगी, मेरी जान सेट होने में कितना टाइम लोगी? ये शेर मैं बेगम साहबा को सुनाऊंगा। चल ठीक। अबे ये घर के लिए नहीं बनाया है, ये अड़ोस पड़ोस का शेर है। घर के लिए शेर बनाया है, तुम उसको सुनाना। वो नौकरानी, क्या नाम है उसका? नेक परवीन। नेक परवीन कौन सा? सुनो। हाँ। कभी जान लगती हो, कभी जान लगती हो, कभी दिल लगती हो, कभी दिल लगती हो। तेरा दिल इधर है? तेरी तो बेटा फिटिंग ही खराब है, ये तोड़ के फिर बनवाना पड़ेगा। हाँ, कभी जान लगती हो, कभी जान लगती हो, कभी माँ लगती हो, कभी परवीन। अरे क्या है? कभी जान लगती हो, कभी जान लगती हो, कभी डैश लगती हो, बीच में घपला है। सुन, वो आ रहे हैं शायर भोपाल से बहुत बड़े। हाँ, वो रिश्ते के लिए आ रहे हैं। हाय, इसीलिए तो मैं तैयार होकर आई हूँ। ओहो, तुझे देखने नहीं आ रहे हैं, बड़ी लाल लाल बनी हुई है। ओह, तू बड़े लोगों के मेहमानों को नहीं जानता, वो तो सिर्फ नौकरानियों को ही देखते हैं। अच्छा,
तो तू पर्दा करियो। क्यों? नहीं देख बहन नहीं, नहीं। क्या पर्दा करियो? ओ, मैं देखी। चल 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 मैं देखूंगी। चल हो सकता है कोई लड़की हो। कार की पिछले सीट पे होती है, ब्रेक मारो तो यही हिलती है। टाइम मिला लो, टाइम आइए आराम से, आइए आराम से, मुर्गा बैठिए आराम से, मुर्गा बैठ जाओ आराम से, फरमाइए। गुफ्तगु है, गुफ्तगु आपकी समझ नहीं आई, गुफ्तगु आपकी समझ नहीं आई, आपको अभी तक शायरी नहीं आई। जो भी कहना है शायरी में कहना, वरना मेरी जान चुप ही रहना। वो गर्मी के दिन, गर्मी के दिन वो सर्दी की रातें, वाह। वो गर्मी के दिन जी जी वो सर्दी की रातें, वाह। नौकरों से करते हो शायरी की बातें, ज्यादा ना बोल, ज्यादा ना बोल, वरना दूंगा दो चार लातें। आए वो लदे फदे, लदे फदे आए वो लदे फदे, और शक्ल से लगते पक्के गधे। जिल्लत है हमारी, है जिल्लत है हमारी जो तुम्हें मुंह लगा रखा है, जिल्लत है हमारी जो तुम्हें मुंह लगा रखा है। ये तो बताओ सेठ को कहां छुपा रखा है? मेघ परवीन जाइए सरकार को खबर सुनाइए, आए हैं मेहमान आजम, उनको बुला के लाइए। मैं तो उड़कर जाऊंगी, किसी के हाथ ना आऊंगी। देख रहे सकी ना 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 ना। कतर के पर तुझे दिल में बंद कर लूंगा, मैं तो आशिक हूँ इसका, इसको रजामंद कर लूंगा। वाह, आइए बैठिए, पधारिए। आते होंगे सरकार, यहाँ बैठ जाइए। एक नई निधा, एक नई निधा, एक नई सी बू आई है। मियां तितली घर में कोई नई गंध आई है। वो हो क्या है तैयार, जो थे जमाने के ख्वार, मेरे नैना है तलवार, तौबा तौबा इस्तख्बार। आप इधर आ जाइए जलीलो ख्वार, क्या यही है वो बीमार? तशीफ रखिए ना सरकार, क्यों खड़े हैं बेकार? आइए ना, मेरी जान मुझे करा है आप नहीं ख्वार। कैसे आए हैं, आने का मतलब बताइए, फिर बैठ जाइए मेरी साथ, पुश्तों पर एहसान फरमाइए। मियां तितली आप दोहराने मुशायरा, वाह वाह किए जाइए, वाह वाह किए जाइए। जिक्र आपका दोस्तों ने सुनाया था, जिक्र आपका दोस्तों ने सुनाया था, आपकी दो बेटियां हैं उसी सिलसिले में आया था। जो भी आता है बच्चियों के लिए आता है, वह शादी से पहले तो इंटरव्यू लिया जाता है। वाह 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 वाह। बच्चियों की शादी के लिए ख्वार हूँ, बच्चियों की जी जी जी। शादी के लिए ख्वार हूँ, आजकल बेकार हूँ। वाह 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 वाह। शायरी की हमको मार है, शायरी की हमको मार है, चाय की पत्ती का कारोबार है।
इंडस्ट्रियां जी, इंडस्ट्रियां क्या इंडस्ट्रियां जी, जितनी थी मेरे यार खा गए, इंडस्ट्रियां जितनी थी मेरे यार खा गए, मेरी सारी जायदाद मेरे रिश्तेदार खा गए, मरने के बाद भी कि उन्होंने मुझसे चिटिंग बनवाया मेरा मजार तो मीनार खा गए। खुदा का बंदा हूँ उससे ही आस जोड़ता हूँ, खुदा का बंदा हूँ उससे ही आस जोड़ता हूँ, आप अपनी बेटी को जहेज में क्या देंगे ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। आए हो अभी बैठो सही, आए हो अभी बैठो तो सही, जहेज की बातें जाने दो, जहेज की बातें जाने दो, जहेज की बातें जाने दो, जी जी जी। में लंदन जाते हैं क्यों जी, क्यों इस मंगलवार है आप नहीं क्यों जाते हैं लंदन, अरे ऐसे ही चले जाते हैं, सीधा सीधा जवाब दीजिए, मेरे पास पैसे इसलिए जाता हूं बस सीधा। हम अक्सर गर्मियों में लंदन जाते हैं, वहां का हुस्न देखकर हैरान रह जाते हैं, वाह, फिर अपने यहां की लड़कियों से उनका मुकाबले हुस्न कराते हैं, देखकर अपने यहां का आड़ा तिरछा हुस्न, देखकर अपने यहाँ का आला तिरछा हुस्न, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह, ये माना जी, जी ये माना जी, ये माना मैंने माना, ये माना जी माना, ये माना ये मैंने माना, मैंने मान लिया, मेरे बाप ने मान लिया, ये माना जी मैंने माना, क्यों माना ये माना, बैठ जा तेरा नंबर का पाना बैठ, ये माना, ये माना, सुन ले ये माना, सुन ले ये माना, अपना केचवे है ये माना, ये माना के लंदन का मौसम अच्छा है ये माना, ये माना बा खुदा मैंने ये माना, अल्लाह करा है मैंने माना, मैंने माना के लंदन का मौसम अच्छा है ये मैंने माना, मैंने माना, मैंने माना के लंदन का मौसम अच्छा है, मैंने माना, मैंने मौसम अच्छा है, एक से एक वहाँ छटा हुआ बच्चा है, पाकिस्तान का हुसन भी कयामत ढाका है, ये ना कहिए कि विलायती का माल अच्छा है। देवी नजरों में जचती नहीं बीवी, उस पर है हर लड़का बावला, किसको मिलेगी जूही चावला, चावला 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 चावला, वो है कयामत वो है बम, आग लगाती है सोनम, मीनाक्षी कितना तड़पाए, किमी किसी के हाथ न आए, किमी 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 मीना मीना जी का
मैं पूछ रहा हूं, किससे पूछा था? एक गधे से पूछा था, उसे सवाल किया तो वो गधा हमको पोएट्री में जवाब देने लगा। हम गधे से पूछा कि मियां अच्छे हो, गधा बोलता है कि साहब ईंटों से लदा फिरता हूं, क्या खाक अच्छा हूं। तो मैंने कहा भाई तो किसी सूबे का मिनिस्टर बन जा। गधा बोलता है नहीं सरकार, इससे तो मैं गधा अच्छा हूं, क्योंकि कोई तामीर हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, लादी जाती है मुझी पर ईंटें, इस पे महंगा नहीं सस्ते ही काम आता हूं। अपने बंगलों में पड़े रहते हैं हमारे मुल्कों के वजीर, अरे मैं गधा हो के भी इस देश के काम आता हूं। वाह वाह वाह, मैंने जुल्म किया। हाँ, मैंने जुल्म किया गाना। जुल्म कीजिए, ये ज्यादतियों से मैं तंग आकर गा रहा हूं ये गाना। हीरो ये छोरा, हीरो ये छोरा, बिन हीरोइन के माने ना, ये तो हीरो है गोली खाने से लुड़के ना, ये तो हीरो है गोली खाने से लुड़के ना। मेरे महबूब जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर एक दिन जो रूठ के चली जाएगी तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। तो आदित्य साहब, आपकी महासंग्राम फिल्म लगी, लोगों को आपका काम बहुत पसंद आया, और इस फिल्म के चार हफ्ते के बाद एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है अग्निपथ। लोगों को यह लगा कि आपके बोलने का अंदाज और अमिताभ बच्चन के बोलने का अंदाज एक ही जैसा था और डायरेक्टर भी एक ही था, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने किसकी नकल की, कौन किससे इंस्पायर हुआ था? माफ कीजिए मुझे, मैं एक बहुत ही छोटा सा कलाकार हूं, मेरी वो नकल क्या करेंगे, हमारी आधी से ज्यादा इंडस्ट्री उनकी नकल करती है। He's a superstar, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ऊपर वाले ने तुझे सर क्यों दिया है? जूते खाने के लिए। काश तू पैदा होती मर गया होता। आंख क्यों दी है तुझे? आंख मारने के लिए। मुंह क्यों दिया है? झूठ बोलने के लिए। दांत क्यों दिए?
दूसरों का माल चबाने के लिए। ऐसी औलाद हो तो आदमी को कभी पहले ही खुदकुशी कर लेना चाहिए थी। हाथ क्यों दिए हैं अब? अरे इलेक्शन के वक्त हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, और जब वोट मिल जाए उन्हीं हाथ से जनता का गला घोटने के लिए। अच्छा है समझ में आता नहीं, कहाँ का हुसन अच्छा है समझ में आता नहीं, लड़कियां तू अब तक दिखलाता नहीं। ये एक्स्ट्राविगेंस है, मुशायरे का तकद्दुस पामाल ना करे बेटी। ये है इस्लामी घर, ये है इस्लामी घर, तरीका इस्लामी अपनाएंगे, अंधों को दिखाएंगे लड़कियां, बहरों को आवाज सुनवाएंगे। बखुदा सुनकर ऐसी बात, बखुदा सुनकर ऐसी बात, हम यहाँ से चले जाएंगे, लौट कर फिर नांगे नांगे ना। हम तो सजदे तेरी राहों में किए जाएंगे, हम तो सजदे तेरी राहों में किए जाएंगे, टिक के बैठ जा केकड़े, तुझे बच्चियां भी हम दिखलाएंगे। नौकर कब से तुम्हारा सर पर खड़ा है? नौकर तुम्हारा कब से सर पर खड़ा है? दाने दाने पे होती है खाने वाले की मोहर, न जाने मेरा खाना कहाँ पड़ा है। सुन के तेरी बात, सुन के तेरी बात, दिल चाहता तेरे मुंह पे मारूला। सुन के तेरी बात मैं हो गया शर्म से पानी पानी, मेरी जान दर्दा खाओगे के बिरयानी। सारी बातों को छोड़िए, बस पिला दीजिए एक गिलास ठंडा पानी। पानी मेरी बेटी लाती ही होगी, इज्जत मेरी वो बढ़ाती ही होगी, कोई ठंडा मशरूम इंशाल्लाह वो लाती ही होगी। ये है हमारी बेटी, इसे हमने पढ़ाया है लिखाया है, पढ़ाई के मैदान में बड़ा नाम इसने कमाया है, हमने इसे जिंदगी में सीना प्रोना भी सिखाया है। जब भी आए हैं हमारे घर कोई इस किस्म के घटिया मेहमान, इसी तरह हमने उसे ठंडा पिलाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हराम का मालिक हर रहा।
चेहरा दिखाओ बेटी, घूंघट उठाओ बेटी, ये है नवाब, इन्हें करो अदा। इनसे कहिए कि चले जाएं, फिर कभी ना इधर आएं। ये शादी कैसे कर पाऊंगी, मैं तो शर्म ही से मर जाऊंगी। किस्सा क्या है बताओ बेटी, मुझ बुड्ढे को मत तपाओ बेटी। ये जो सामने खड़ा जोकर है, मेरी सहेली का शौहर है। तिली, जो दी है इज्जत इससे छीन लो, इससे बोतल छीन लो। वाह 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 वाह। जिस इंसान से मैं असर ना हो, किसी लड़की को सुहाग, उस सुहाग पुड़े को आग लगा दो। चलो चलो बात, चलो बात। हम तो फिर भी आपकी इज्जत किए जाएंगे, हम तो फिर भी आपकी इज्जत किए जाएंगे, और जाते जाते आपको आदाब किए जाएंगे। हम सारे घर वाले मिलकर आपको लानत किए जाएंगे। चले आप। हम तो शायर हैं, जो आप देंगे हम लिए जाएंगे। इसको बाहर भेजिए, इसके पीछे कुत्ते थोड़े जाएंगे। सुनो मियाँ, ये बोतल अंदर ले जाओ, इस पर टिकली लगा के दोबारा फ्रिज में रख दो। मेहमान आए, उन्हें पेश करो, वो कहें कि इतनी खाली, तो कंपनी पे इल्जाम लगा देना। देखो बेटे, हमने आपके लिए कितनी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के नतीजे में आपने देखा क्या रिजल्ट आया। मेरे आने से पहले क्या रिश्ता तय कर दिया? रिश्ता कहाँ तय किया, वो तो कम्बख्त हमें थका के चला गया। कौन? वो शायर आया था, मुंह दुख गया, शायरी कर कर क्या मारा। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम चाहते ही नहीं इन बच्चियों की शादी हो जाए। बेटे इन्हें बताओ हमने कितनी जिद्दोजहद की है। हाँ आंटी अंकल, बहुत कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बच्ची हो, चलो अंदर। चलो अम्मी, आप यहाँ आई। मतलब बच्चियों की अम्मी यहाँ आई। आप हम पर शक मत कीजिए और हमारी नियत पे शक मत कीजिए। हम इंतहाई सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप। आप पे मेरा शक बिल्कुल सही है। कमरे में वो जो ईद कार्ड रखा हुआ है, किसका है वो? उस पे एक आदमी और औरत बने हुए और वो समंदर की तरफ जा रहे हैं। वो हमारी बेटी की सास ने भेजा है। क्यों भेजा उसने? आपने उसे क्या तोहफा भेजा है? हमने उसे सिर्फ एक शेर लिख के भेजा है। कौन सा शेर? हमने कहा कि शबे बरात, शबे बरात, शबे बरात, तुम्हें तोहफा क्या भेजूं? मेरी जान, तुम तो खुद पटाखा हो। वाह वाह वाह। मरवाएगा मरवाएगा। एक तो उल्टा सीधा मुशायरा कर रहा, उस पे दीवार पे कौवा बिठाया हुआ है। वावा, वावा। देखा, माँ भी अच्छा करती है। वाह वाह, कभी जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। फजूल बातें कर रहे हैं, ये शादी की शेरवानी उतारी है। हाँ, में मुसलमान बने हुए। मुसलमान? मुसलमान पे हमें एक शेर याद आया, इरशादुल कुद्दूसी। अर्ज किया है, सुन बे, सुन बे, कि माना कि मैं पूरा मुसलमान तो नहीं हूँ, ये माना कि मैं पूरा मुसलमान तो नहीं हूँ, मगर रिश्ता अपने दीन से तो जोड़ सकता हूँ। हज रोजा नमाज ज़कात कुछ ना सही, शबे बरात पटाखा तो फोड़ सकता हूँ। मामा, मामा, मामा। बेगम इंशाल्लाह आपके कोई शायर आया, मैं तुम्हें जहमत दूंगा। बातें कर रहे, जाए जाके अपनी, ये क्या स्टाइल बनाया होगा आपने। ये नया स्टाइल है, इसको कहते हैं स्टीमर कट। लॉन्च कट। बकवास बंद करो, पीते हैं। बाबा 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 बाबा, किसको कह रहे? ठंडा बाबा, बात सुन। बाबा बाबा, वाह वाह। बे सरकार, पहलवान आए। आप क्या खेतों में खड़े होते हो?
ये टोपी से लोगों को जख्मी करते हो? बकवास नहीं कर, मेरा आज स्टेडियम में मुकाबला था कुश्ती का। मुकाबला था? स्टेडियम कचा कच भरा हुआ था। फिर हराम है जो किसी ने टिकट लिया हो। लोग दिवाले फुलान के बैठ गए थे जी। अच्छा अच्छा, फिर मुकाबला मेरा दरमियान में था, लोग पीछे देख रहे। क्यों? लेडीज स्टैंड गलती से पीछे लगा दिया था। जाहिर है आपको कौन देखेगा फिर। इधर से मुखाली पहलवान निकला, वो निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और सब ठीक है? ठीक है जी। दरअसल ये मेरे बच्चे हैं। आपकी ये क्या मांग रहा है? सलाम करो। तो सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? सलाम से काम नहीं चलेगा, पैर पकड़ो चाचा के। बासे 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 बासे, चलो चलो पड़ो। और पैर पकड़। अबे ये पैर कहाँ पकड़ने, तो तेहमत पकड़ना थोड़ो। ओए पैर पकड़ो बच्चे। ओए ओए लास्टी केस में चलो। वो मैं समझ गया आपके आने का मकसद। असल में जरा हमारे यहाँ रस्म रिवाज कुछ दूसरे किस्म के हैं, पर बच्चे शहादतमंद होने चाहिए, यही हमारी खुशनसीबी हो। बड़े लायक बच्चे हैं जी। अच्छा। इनको मैंने माँ का प्यार दिया, चचा का प्यार दिया, खालू का प्यार दिया, नाना का प्यार दिया, दादा का प्यार दिया, आजकल बहन का प्यार दे रहा है। ये आपकी दुकान का है, इधर आके मारे गरीब रहे। दरअसल मैं ये आपके सामने कभी आग उठा के बात नहीं करेंगे। अच्छा। हाथ चाय उठा ले। अच्छा। सादत मंदी। बस जी, हम भी अपना फर्ज पूरा करने में जल्दबाजी में ही हैं, लेकिन ये है कि जरा बच्चियों की अम्मा से ही बातचीत करनी पड़े। बिल्कुल जी, देखें आप भी जल्द जल्द अपना फर्ज अदा करें, ताकि मेरे घर में खुशहाली भी आ जाए और आपके कांधों का बोझ भी हल्का हो जाए। अच्छा, अपना तरबूज यहाँ खड़ा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेफिक्र रहिए, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जरा रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, खानदान वालों से मशवरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो रिश्ता होगा। तो जी आपको गलत फहमी हुई है। आप लोग बच्चियों के रिश्ते के लिए आए? नहीं जी। हाँ। हम तो शहरी जगाने वाले हैं। रात 3 बजे जगाया है मैंने। मुसलसल गरीब, इधर मर, तेरा मुंह देख, तेरा लड़ाने वाले मुर्गे नहीं होते, जिस टाइप का तेरा मुंह है, घटिया आदमी आवाज लगा देता है, पहलवान है हम बन गए। पहले पता तो किया करो कौन है, बच्ची के जहेज का बक्सा खोल दिया मैंने, जो भी आए पक्का पता करके बताओ। वो कमीने आ भी तो यूं थे, अब कोई भी आप बनूंगा ये आए बनो। चुप वो आए कव्वाल नबी कादर कलंदर तो आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, वरना इस बंगले
तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ लेके जाएंगे। किस ले आवाज? शायद इसकी शादी का ख्याल, शायद इसकी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए सेठानी ने हमें चाय पे बुलाया है। तुम कौन हो? मैं नौकर भाई। तू नौकर है? तो नौकर जा जा जा, ओ नौकर जा जा जा, ओ नौकर जा जा जा, ओ नौकर जा जा जा। पहल पहल की पहली लड़की, ओ पहल पहल की पहली लड़की, मेरे लौंडे को दिखला। ओ नौकर जा जा जा, 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? ठीक हूं। क्यों? सब बाहर निकल जाए। अर्ज किया, हा ला सारे ला मा मग मग ग भूलू सर ग नीचे कीले किसने फेंके? घटिया आदमी, अभी कव्वाल पंचर हो जाता फिर। अर्ज किया है इरशाद कि एक सवाल
कि एक सवाल जो मुद्दत से लड़की वालों की तरफ से लड़कों से पूछा जाता है, ये सवाल सदियों से हर बाप ही दोहराता है क्या, कि भाई बोलो जी तुम क्या क्या, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज दोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज दोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज दोगे, यहाँ जहेज में क्या मिलता है, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज दोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज दोगे, तभी बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, कितने लोगे, कैसे लोगे, किसी के बाप पर हिम्मत है तो जहेज लेके दिखाए, बोलो जी तुम हर चीज को बदल दिया जमाने ने, हर चीज को बदल दिया जमाने ने, रस्म रिवाज को भी बदल दिया जमाने ने, पहले दूल्हा को शेरवानी दी जाती थी, अब दूल्हा को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, पहले सास नंदों को बुंदे दिए जाते थे, अब उन्हें टीटी और माउजर दी जाती है, पहले दूल्हा गाड़ी में सज के आता था, अब उसे टैंक में छुपा के लाते हैं, पहले मेहमानों को दावतनामे दिए जाते थे, उन्हें तंबू में बिठाया जाता था, उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में छुपाया जाता है, पहले छपते थे दावतनामे, अब पूरी बारात का कर्फ्यू पास बनवाया जाता है, तो ये फरियाद एक बाप बार बार किए जाता है कि बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या जहेज लोगे, ए बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे, बोलो जी मीने, अपने बच्चे की तारीफ बता, मेरा लड़का कर्फ्यू में निकल जाता है, मेरी बेटी की वजह से कर्फ्यू लग जाता है, मेरा बेटा टीवी पे आता है, मेरी बेटी के चक्कर में पूरा टीवी स्टेशन घर पे आता है, मेरा बेटा रोज 5 मील भागता है, मेरी बेटी रोज भागती है, रोज पकड़ के लाता हूँ, मेरा बेटा बॉक्सिंग क्लब भी जाता है, मेरी बेटी नाइट क्लब में जाती है, मेरे बेटे पे शहर में लड़कियाँ मरती हैं, मेरी बेटी के चक्कर में आपस में लड़के लड़ते हैं, मेरा बेटा मेरी आँख का तारा है, मेरी बेटी दोजख का अंगारा है, मेरे बेटे को लिबास में पसंद गरारा है, इसी बात पे मेरी बेटी ने कल दर्जी को मारा है, तो फिर माशरे में क्या मकाम तुम्हारा है, अरे इस मोहल्ले में सबसे बदनाम घर हमारा है, बोलो जी तुम क्या क्या जहर, मेरे बेटे को खाना पकाना भी आता है, मेरी बेटी को खाना खाना भी आता है, मेरे बेटे को गाना गाना भी आता है, मेरी बेटी को नाचना गाना भी आता है, चलो ये तो मुश्किल ही हल हो गई और आमदनी की सूरत आया हो गई, तेरी आंखों में जो पैसे का प्यार है, तेरी आंखों में जो पैसे का प्यार है, इसीलिए तेरे चेहरे पे पूरे पाकिस्तान की फिटकार है, तू इसीलिए माशरे में जलील है और ख्वार है,
इसीलिए तेरा कोई ना मकाम है, तू बेकार है, तू बीमार है। सुन बे ओ जरा ढोलक वाले, इसने लालच की बात की है, तुम नजदीक बैठे हो, जरा इसकी बुद्धि पे एक थप्पड़ तो मारो। ओए मार लो, कुछ भी मार लो, लेकिन मैं बस शादी करा के जाऊंगा अपने लमड़े की। सुन बे, तूने जिसे बराबर में बिठा रखा है, जिसे तूने माशरे में अपना बाप बना रखा है, दर हकीकत तूने बराबर में कमीने को बिठा रखा। हमने शादी के इंटरव्यू में अपनी बेटी को भी बुला रखा है। आओ बेटी आओ, मेरी बेटी आई, लग रहा है 14 अगस्त हो रही है। भाई क्या ये बेटी भी तुम्हारी है? भाई ये शक्लो सूरत की बड़ी ही प्यारी है, अरे इसकी शादी हो गई या अब तक कंवारी है? इस बुढ़ापे में तुझे कौन सी जलील बीमारी है? अभी बताता हूँ, शादी हो गई या कंवारी है। अंकल ये कौन है? बेटे गा के बताता हूँ कौन है। किम बड़े ही जलील है, के बड़े ही जलील हैं ये लड़के वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना। बड़े ही जलील हैं ये लड़के वाले, इन्हें मुंह लगाने की कोशिश न करना। बड़े ही जलील, जरा अपने बालों की, जरा अपने बालों की सफेदी को देखो, और फिर इस बच्चे की उम्र को तो देखो, कि ये तो तुम्हारी बेटी के बराबर, इसे तुम फंसाने की कोशिश न कर। सोने की अंगूठी दोगे तो मेरा बेटा तुम्हारा। ले बेटे, तेरे लिए मैंने बिल्कुल एक नई बात सोची इरशाद, कि तू मेरा समधी। जरा टिका के जोड़ी वाले तेरी खैर। मेरे एक वाले ढुलम पम, ले वाले को ढुलम पम, अब बोलो सेवन अब ढुलम पम। हाँ ठीक है, कि तू मेरा समधी, भाई समधी में तेरा, मैं सेठ तू लुटेरा, मैं सेठ तू लुटेरा, मैं तेरा समधी, समधी तू मेरा, मैं सेठ तू लुटेरा, मैं सेठ तू लुटेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर और अब खैर। Bye!
सरकार कहाँ गए? सरकार भी गायब है, दोनों लड़कियां भी गायब है। अब ये घर में आक्षेप तो नहीं हो गया? नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कहाँ है प्रोफेसर का बच्चा? क्या बात है चाचा खजी? तेरा बाप होगा खजी, पता उसने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया हुआ है। क्या? मैं जिस गली से भी गुजरता हूँ लड़के मुझ पे आवाजें कसते हैं। क्या क्या? पतलूने आए, पतलूने आए। शर्म आनी चाहिए, बाप के बराबर उनसे मजाक करते मोहल्ले के लड़के। मैंने कभी कहा पतलून आए? भाई भाई तू बता सकता है कि प्रोफेसर की पतलून मेरे घर में कैसे पहुंची? इसको पता है भाई, बता दे यार। गुदगुदी हो रही है, पता है ना भाई? पता है? मुझे नहीं पता। शुक्रिया, सुना था बहुत अच्छे मालिश ये हो, ठीक निकले तुम। अबे ओ खुड़ खुड़े लट्टू, मैं खुद ढूंढूंगा, छोड़ूंगा नहीं प्रोफेसर को, खुद ढूंढूंगा। ओए चाचा खजी, चाचा कहाँ गया? छोड़ूंगा नहीं उसको। अबे क्या है, टहल रहे कौन? अबे क्या सिलबट्टा पे गिर गया तू? डैडी कहाँ है? वो कहाँ है? कौन वो? आपके मियाँ। क्यों? वो बोलते कैसे? दिलीप कुमार की तरह ना, इस तरह बोलते हैं। मुश्किल किस तरह? भाई कह रही हूँ कमाल करते हो तुम भी। नहीं चाहिए मुझे वो दिल फेक आशिक जो माशूक का हाथ थामते हथियार फेंक देना। एक बात कान खोज खोल के सुन लो कि मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है मेरा शहनशाह। मेरे मियाँ की कॉपी करते हो बेशर्म। वो भी तो किसी की करते हैं। डैडी कहाँ है? डैडी खो गए। क्या मतलब? अल्लाह की कसम मिली नहीं रहे वो तो, और आपकी दोनों बहनें भी गायब हैं सौतेली। मेरी कौन सी बहनें? आपको पता नहीं, आज मैं आपको सच बताऊंगा। क्या? आप कहें तीली तुझे कसम है, सच बता। अच्छा कसम है, बता दे। बस आपने कसम दिया तो मैं बता रहा हूँ। है ना, सरकार ने दूसरी शादी कर ली। क्या? तो डैडी ने दूसरी शादी कर ली है? कसम खुदा की, आपने कसम दिया तो मैंने बताया। नहीं मम्मी कहाँ है? नहीं मम्मी अंदर है, अभी देखती हूँ। आपने कसम दिया तो बताया मैंने। आपने खुद दिया कसम? पता चला प्रोफेसर का? बेगम साहबा ढूंढ ढूंढ के मर गया बेगम साहबा, कहीं नहीं मिले वो। तीनों बच्चियां भी गायब हैं। बच्चियां भी गायब हैं। मुझे तो इस कमरे में शक है। इसमें आसेब है। मैं उस आसेब को खेड़ फेंकूंगी। दरवाजा तोड़ दें आप। मैं दीवार तोड़ दूंगी। ऐसे कीजिए, सुनिए। क्या? ऐसे हाथ लगाइएगा खुद ही टूट जाएगा। ठीक है, आज मैं जड़ से उखेड़ दे। क्या हुआ? ये आवाज किसकी थी? आवाज? हाँ हाँ। ये आपकी नई अम्मी की थी, आपने कसम दी तो मैंने बताई ना। अंदर तो कोई नहीं है। इधर गई थी वो? अभी देखती हूँ। उधर मैं जाइए। मैं सुनूंगी। हेलो, कौन? मम्मी। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? क्या तंजानिया से बोल रही है? भाई साहब कौन पर रिहा हो गई हैं आप? क्या एक हफ्ते के बाद आ रही हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं नाया जान को कुछ खबरें सुना दूंगी। हाँ हम आपसे एक बार लेने जरूर आएंगे। ओके बाय। अबे क्या टेलीफोन में क्या है? वहाँ मत जाए, वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता है। अरे भाई तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अरे बेटी हमने अपने दुश्मनों के लिए, मैं नौकर तीली दुश्मन का आदमी है। क्यों? मैं बम बनाता हूँ। बेटी हमने अपने दुश्मनों के लिए एक ऐसा इंजेक्शन बना लिया है कि जब लगाएंगे ना जैसा जानवर चाहेंगे बना देंगे। मगर नाना जान आपसे किसकी दुश्मनी है भला? अरे बेटी तुम्हारा बाप ऐसा कमीना साबित होगा
ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिस दिन हमारी बेटी को तंजानिया में कैद हुई है ना, उसी दिन उस बदमाश ने यहाँ दूसरी शादी कर ली और उस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहा, हमें जलाता रहा। आप फिक्र ना करें नाना जान, नहीं मम्मी से मैं इंतकाम लूंगी। अरे नहीं बेटी, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? वो सब हमारी कैद में है। आपकी कैद में? कैसे? देखोगी। हाँ हाँ। ये क्या है? ये नाना बुआ चुप। मिर्जा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे छोड़ दे मुझे, अरे मुझे छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मुझे छोड़ दे, अल्लाह। अबे ओ बुड्ढे बुड्ढे खुशक, पहचानो इसे, पहचानो। ये कौन है? मिर्जा। हाँ, इसी बदमाश से शादी कराई थी तुम्हारे बाप की दूसरी। अल्लाह, आज से मैं मिर्जा हूँ। अबे ओ दिली दिली दिली, ओ तेरा सत्यानाश है, ला 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 ला, ओ मेरे पैर में मोच आया, ओ दिली दिली, ओ तेरा बेड़ा कर, ओ मेरे पैर में, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं ना इससे धंधा करूंगा, डुगडुगी लाऊंगा, धंधा करूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो नहीं, मम्मी कहाँ है? हाँ वो कहाँ है बेगम साहब? वो मोटी मोटी है बहुत, अभी दिखा दो। अच्छा हुआ उधर नहीं गया, मुझे छछुंदर बना देते। कमबख्त, मुझे ना ले जाओ, मुझे ना ले जाओ, इस हालत में कम्बक देख तो क्या बना दिया। ये है तुम्हारी माँ की सौकन। ना करो सौतन की बेटी कम्बख्त, और तीली तेरा बेड़ा गरक जाए, तूने ही मुझे उस तरफ भेजा था, अब तू बोले। बेगम साहबा, वाह 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 वाह। कमबख्त मारे, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा पूरा खानदान, वाह 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 वाह। ये मिर्जा को मना कर, मिर्जा को इस तरह देख देख, कमबख्त इस हालत में भी छेड़ रहा है। इनको दूर रखे, इनकी लगी हुई है। अरे इसको मैं अब जाके घूरे पर छोड़ूंगा, वहां देखना कुत्ते और बिल्लियां इसके पीछे होंगे। ओ नाना जान, डैडी कहाँ है? वो बदमाश, वो बदमाश इस वक्त तो मेरी लैब में पड़ा हुआ है, लेकिन जब होश आएगा ना तो खुद होश उड़ जाएंगे उसके। क्या आपने फिर डैडी को जानवर तो नहीं बना दिया? अरे बेटी, मैंने तो उसे इबरत का निशान बनाया है। ओ नारा जान, क्या करते आपने डैडी के साथ? अभी मम्मी का तंजानिया से फोन आया था कि एक हफ्ते के बाद आ रही है, भाई साहब तौर पर रिहा हो गई है वो। अरे मगर मेरी बेटी तो अब उसके साथ नहीं रह सकती बेटा। आपने क्या कर दिया नाना जान डैडी को? ओ डैडी, अरे क्या कर दिया हमारे सर का गया है। मिर्जा आओ देख के आते हैं। नाना जान बहुत बुरा किया आपने। नहीं अरे बेटा, हम कुछ करेंगे, क्या हो गया? करेंगे। क्या क्या आपने बहुत बुरा किया आपने? अब क्या होगा हमारी बेटियां?